वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी को हाइड्रोलॉजी अब तक समझ में आया होगा और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लर्न करेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में और इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ग्राउंड वाटर क्या होता है? यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही है, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर बनाता हूँ, आप उस तस्वीर पे फोकस करिए। देखिए, ये मान लीजिए आपका सॉयल है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जमीन के नीचे होता है वाटर टेबल, या फिर कभी कभी जमीन के लेयर पे भी होता है, कभी कभी वाटर टेबल जमीन के ऊपर भी बह रही होती है, जैसे नदी वगैरह में आप देख रहे हैं, है ना। तो अभी तो मान के चलते हैं फिलहाल कि वाटर टेबल जो है आपका या फिर जमीन पे है, मतलब यहां पर हो सकता है वाटर टेबल, या फिर जमीन के कुछ नीचे है। तो ये जो वाटर टेबल है, तो वाटर टेबल एक्चुअली क्या आपको क्या लग रहा है? ये वाटर टेबल ऐसा है मतलब इसके नीचे केवल पानी पानी होगा क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, जमीन है ना, तो जमीन है मतलब मिट्टी वगैरह है, वहां पे पत्थर वगैरह होंगे, है ना, मिट्टी होगा, पत्थर होगा, कुछ कुछ होगा, ये सारे मटेरियल्स भरे पड़े हैं। अब ये जो मटेरियल्स भरे पड़े हैं, इनका जो वॉइड्स होता है ना, इसके अंदर जो वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कांस्टेंट वॉल्यूम मैं कंसिडर कर लेता हूँ, वी वॉल्यूम, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ऐसे ऐसे गिट्टी 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 गिट्टी, आपने एक बाल्टी में गिट्टी 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 भर दिया, तो मेरे को ये बताओ वो जो बाल्टी का टोटल वॉल्यूम है, क्या सारा का सारा वॉल्यूम है ये गिट्टी ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है? नो, वैसा तो नहीं हो रहा है। तो इनके बीच का जो फ्री स्पेस है, खाली स्पेस है, इसमें कोई दूसरा मटेरियल भी जा सकता है। अभी जैसे बाल्टी है, बाल्टी में गिट्टी डाल दिया आपने, तो अभी उसमें खाली एयर है, गिट्टी और एयर है। मान लो गिट्टी वाले बाल्टी में पानी भर दोगे और बाल्टी को फिल कर दोगे, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी वॉइड्स थे गिट्टी में, वो सारे वॉइड्स हो गए फिल, मतलब अब हो गया सैचुरेटेड, हो गया क्या, सैचुरेटेड, है ना, ठीक है। तो ये जो वॉइड्स होते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म्स का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी, पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम वी। एक जैसे ये टोटल वॉल्यूम वी लिया, इसमें से कितना वॉल्यूम वॉइड का है? अब ये जितना वॉल्यूम वॉइड का होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन, ठीक है, सिंबल होता है एन, छोटा एन। तो जितना वॉल्यूम वॉइड का होगा, उतना ज्यादा पानी इसमें रह सकता है, जितना वॉल्यूम वॉइड का होगा उतना ज्यादा पानी रह सकता है, समझ रहे हो बात को? यही तो हुआ ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ठीक है। तो इसी तरह से जमीन के नीचे क्या होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फोटो, ये देखिए ये रॉक है, ठीक है। अब रॉक में जो दरार वगैरह प्रेजेंट रहता है, फ्रैक्चर्ड रॉक, ये दरारों में पानी भर गई है, यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है। तो रॉक्स में अगर फ्रैक्चर है तो उसमें पानी चला जाएगा उस फ्रैक्चर के अंदर, तो वही है ग्राउंड वाटर स्टोरेज। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ग्रेवल्स वगैरह देख रहे हैं, मतलब रॉक्स से रॉक का जो साइज होता है वो तो बहुत बड़ा 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 है, लेकिन ग्रेवल का साइज थोड़ा छोटा 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 होगा। तो ग्रेवल्स जब एक दूसरे के कनेक्टिविटी में रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो फिर वो कुछ ना कुछ उसमें वॉइड क्रिएट होगा, तो वो वॉइड स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा आपका पानी। तो मान लीजिए अगर पूरा का पूरा पानी से ही भरा हुआ है सारा वॉइड, तो हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड है वो, मतलब उसका ग्राउंड, मतलब जितना स्टोर करना था उसको पानी वो स्टोर कर रहा है, मतलब जिसका जितना उसका पोरोसिटी है उसके करस्पॉन्डिंग उसमें पानी है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ग्राउंड वाटर टेबल दिखाऊंगा वो ऐसे दिखाऊंगा, समझ रहे हो बात को? तो दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, जो कि जमीन के अंदर रहती है, अब मतलब ग्राउंड सरफेस के अंदर, ठीक है। अब ये ग्राउंड सरफेस के अंदर जो आपका सॉयल है, ये तो अलग अलग तरह का हो सकता है ना, रॉक हो सकता है, या फिर ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकती है, क्ले हो सकती है, अलग अलग तरह के मटेरियल हो सकते हैं। तो इनका पोरोसिटी अलग अलग होगा, इनका पोरोसिटी अलग अलग होगा, तो ये पानी अलग अलग कैपेसिटी से स्टोर कर पाएंगे। किसी का ज्यादा ग्राउंड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगा, किसी का कम होगा, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। ये सब चीजें हैं, खैर उस पर हम आएंगे और डिटेल से। तो अभी के लिए पोरोसिटी समझ में आया, सैचुरेटेड कंडीशन समझ में आया, मतलब सारा का सारा वॉइड अगर पानी से भरा हुआ है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ
वॉइड, दिस इज योर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड. अगर पूरे के पूरे वॉइड में अगर पानी भरा हुआ है देन इट इज 100% सेचुरेटेड. अगर पूरे के पूरे वॉइड में पानी भरा हुआ नहीं है देन इट इज नॉट 100% सेचुरेटेड. इज इट क्लियर टू यू ऑल? बताइए. ठीक है, तो ये हो गया पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन. ठीक है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये वॉइड्स जो प्रेजेंट रहते हैं उन वॉइड्स में ये पानी भरा हुआ रहता है. अब देखो, हम कभी कभी गांव में खेतों में देखे हो, आपका भी खेत होगा तो आपके आप बड़े बुजुर्ग क्या किए होंगे, कुआं बना दिए होंगे यहाँ पे, है ना, ये जगह का मिट्टी खाली कर दिए होंगे, खोल खाल दिए होंगे, ऐसे एक कुआं बना दिए होंगे. इसको कहा जाता है ओपन वेल. दिस इज योर ओपन वेल. ये हम आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है, अब ओपन वेल, ये कुआं ऐसे बना दिए तो यहाँ पे ये पानी वानी है तो यहां से हम पानी को लिफ्ट करेंगे. वी विल लिफ्ट दिस वाटर, है कि नहीं? अब लिफ्ट करके हम क्या क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे. अब इसका जनरल यूज किस में होता है? इरिगेशन पर्पस से. जनरली तो आप मैक्सिमम इरिगेशन पर्पस से देख रहे हैं, प्लस म्यूनिसिपल सप्लाई. म्यूनिसिपल सप्लाई कहने का मतलब क्या है, आप देख रहे होंगे आपके शहरों वगैरह में चापाकल लगा हुआ रहता है गली गली में, तो वो चापाकल भी क्या है, अंडरग्राउंड वाटर को ही तो लिफ्ट कर रहा है ना. वो जो पंप है, बोरिंग है, वो क्या करती है, अंडरग्राउंड वाटर को लिफ्ट करती है. सो अंडरग्राउंड वाटर इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड फॉर योर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई. सो ग्राउंड वाटर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स. द प्रेसिपिटेशन इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड एंड ट्रेवल्स डाउन अंटिल इट रीचेस द इम्परवियस स्ट्रेटम. इम्परवियस स्ट्रेटम कहने का क्या मतलब है? देखो, मतलब ये क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट को समझिए. ये मान, इस स्टेटमेंट को समझिए, ठीक है. ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है, बरसात हुई, इन्फिल्ट्रेशन बता रखे हैं आपको, ठीक है, बरसात हुई तो उस समय क्या होगा, वाटर एंटर करेगा. ओके, अब सॉइल के अंदर वाटर एंटर करेगी, ठीक है, एंटर करेगी. मान लीजिए एंटर करते 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 जा ही रही है, कहां तक जा सकती है ये पानी, जमीन के अंदर कहां तक जा सकती है? अरे अर्थ तो ऐसा है, बताओ इधर से घुसेगा इधर से निकल जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता बाबू. होता क्या है कि एक लेयर होती है कहीं ना कहीं बीच में. आगे चल के देखो, रॉक्स वगैरह जो जनरली होते हैं ना, वो रॉक स्ट्रेटा वगैरह जनरली इम्परमिएबल स्ट्रेटा होता है. पत्थर देखियो, पत्थर के बीच से पानी निकल जाएगा, मतलब ये मान लो एकदम सॉलिड पत्थर है, ठीक है, ये सॉलिड पत्थर है, इसके बगल में और एक पत्थर रखेंगे तो इसके बीच से यहां से पानी निकल सकता है. लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल इस वाले पार्ट का. क्या इसके बीच से पानी निकल जाएगा? नहीं, नो. तो ये जो लेयर होगा ना, ये जो पत्थर का इस तरह का लेयर होता है, वो उसे हम कहते हैं इम्परवियस स्ट्रेटम. भले उसके बीच बीच में दरारें होंगे, वहां से कुछ वाटर निकल जाएगी, लेकिन लेकिन मैक्सिमम आपको इम्परवियस स्ट्रेटा मिल जाएगा. तो ये जो स्ट्रेटा मिलता है ना, इट इज योर इम्परवियस स्ट्रेटा, जिसके थ्रू से वाटर पास नहीं कर सकता, ये नहीं होता. तो इस चीज को कहते हैं नॉट परमिएबल. नॉट परमिएबल ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब किसी भी चीज में पानी का फ्लो कर पाने का एबिलिटी. परमिएबिलिटी मतलब सॉइल के अंदर पानी का फ्लो कर पाने का एबिलिटी को कहते हैं परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी को डिफाइन किया था डार्सी ने, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा हमने, है ना. तो डार्सी का जो इक्वेशन था मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि हमको परमिएबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ये सब चीजों को भी हमको बतानी है. तो यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में दो इंपॉर्टेंट चीज, बहुत दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक तो जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, मतलब रॉक है, सॉयल है, क्या है जमीन के नीचे, दिस इज योर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की पोरोसिटी कितना, पहला तो ये बात. दूसरा, इसका परमिएबिलिटी कितना. देखो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मान लो एक फाइन सॉइल है. अच्छा, फाइन सॉइल, वाइन सॉइल छोड़िए, अभी एक दूसरा सिस्टम से समझिए. मान लीजिए बड़ा बड़ा गिट्टी ही है, बड़ा बड़ा गिट्टी है ऐसा ही मान के चलो, लेकिन सभी एक ही साइज के हैं,
सभी एक ही साइज के हैं, और इस तरह से आपने इसको प्लेस कर दिया एक कांस्टेंट वॉल्यूम में। कोई एक वॉल्यूम है V, इस वॉल्यूम में आपने बड़े बड़े गिट्टी को सभी एक ही साइज के थे उसको प्लेस कर दिया, तो इनके बीच का जो ये जो स्पेस है इसी को तो हम कहेंगे पोरोसिटी, मतलब यही तो होगा पोर, ठीक है। ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, यही तो होंगे पोर, है कि नहीं, इसी को हम कहेंगे पोर। नाउ दूसरा कंडीशन लीजिए, वही सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका इतना ही है जितना वॉल्यूम यहां था, उतना ही वॉल्यूम यहां पर भी लीजिए, लेकिन अब यहां पर क्या करिए ना आप, कि मतलब कुछ बड़े फिर कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, ऐसे ऐसे करके पैकिंग कर दीजिए। तो यहां पे देखिए जो जो बड़े बड़े जो दाने थे, है ना, जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जब आपने छोटा भी डाल दिया यहाँ पे, अलग अलग डिफरेंट साइज का है, तो वो छोटा छोटा घुस गया अंदर, मतलब जो पोर है ना वो कम हो रहा है, पोर कम हो रहा है, मतलब स्टोरेज कम हो रहा है कि नहीं, पोर कम हो रहा है, समझ रहे हो बात को। सो ये जो है ये चीज, दिस इज योर वेल ग्रेड, मतलब वेल ग्रेडेड चीज है, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड आपने एक पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वेल ग्रेडेड मतलब ये होता है अगर हम डिफरेंट अलग अलग साइज के एग्रीगेट्स को अच्छे तरीके से पैक करें तो उसका ग्रेडिंग अच्छा होता है, मतलब वहां पे अलग अलग तरह के साइज के पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है, जिस कारण से स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है, समझ गए। लेकिन ये जो पहला वाला केस मैंने लिया, ये पहला केस, ये दूसरा केस, जो पहला वाला केस मैंने लिया यहाँ पर, वो पहले वाले केस में मैंने लगभग एक ही साइज के सारे पार्टिकल्स को रखे, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म साइज के, मतलब एक ही साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं यूनिफॉर्म साइज के, क्या उसमें पोरोसिटी उसका ज्यादा है? और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब अलग अलग डिफरेंट अलग 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 साइज के, क्या उसका पोरोसिटी कम है? क्योंकि उसका डिग्री ऑफ पैकिंग ज्यादा है, फ्री स्पेस कम है, इसलिए पोरोसिटी कम है। किसका? जिसका, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है, मतलब अलग 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 पार्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं और डिग्री ऑफ पैकिंग वगैरह ज्यादा है, तो उसका पोरोसिटी कम होगा। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वॉइड था, मतलब सेकंड वाले केस में जो वॉइड था उसमें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फिल्ड अप हो गए, तो कहीं ना कहीं तो वॉइड कम हुआ ना, समझे। सो ऐसे डिपेंडेंसी होती है, तो इन सब चीजों को देखते हुए चलना होता है हमको। नाउ मान लीजिए कोई अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है, उसका वो, उसमें पोरोसिटी उसका बहुत ज्यादा है, पोरोसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन परमिएबिलिटी कम है, मतलब वाटर उस सॉइल मीडियम से फ्लो कर पाए वो क्षमता उस सॉइल का कम था। अगर ऐसा है तो भले उसमें ज्यादा पानी है लेकिन वो पानी तुम निकाल नहीं पाओगे ज्यादा, क्यों, पानी फ्लो ही नहीं कर रहा है ना ज्यादा, इसलिए तुम निकाल कहाँ से पाओगे ज्यादा, समझ रहे हो बात को। तो पोरोसिटी के साथ साथ परमिएबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है कि आप पानी कितना निकाल पाएंगे, ठीक है, परमिएबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मान लीजिए जैसे कि सेल होता है, सेल एक, ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब अंदर पत्थर वत्थर कैसा है, सेल बोल के एक पत्थर होता है, उसका नाम अगर लिखूंगा मैं उसको लिखता हूँ सेल, SHALE, याद रखना। सेल होता है अपने आप में बहुत ज्यादा पोरोसिटी इसकी, मतलब इसकी पोरोसिटी इस पत्थर की काफी ज्यादा होती है, इसमें तो पानी भी ज्यादा स्टोर हो पाएगा क्योंकि इसमें वॉइड ज्यादा प्रेजेंट है। पोरोसिटी होती है ज्यादा मतलब पानी ज्यादा स्टोर हो पाएगा इसके पोर्स में क्योंकि इसका वॉइड ज्यादा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो सेल होती है ना इसकी वॉइड इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने फाइंस होते हैं कि उनमें से वाटर फ्लो ही नहीं कर पाता, समझ रहे हो बात को, उनमें से वाटर ही नहीं फ्लो कर पाता, तो वो रिलेटिवली इम्परवियस ही हो जाता है। फिर वैसा ही होता है क्ले के साथ, एक सैंड और क्ले को कंपेयर करिए, सैंड में क्या है, पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं, पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं, इमेजिन करते चलना एक जगह, ये लिख लीजिए आप, ठीक है, ठीक है, ये लिख लीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूं सैंड एंड क्ले का,
देखो सैंड एंड क्ले, सैंड में क्या है, सेम वॉल्यूम लीजिए, सेम वॉल्यूम सैंड का, सेम वॉल्यूम क्ले का, इसका बाल्टी का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या समझे? ठीक है, सेम वॉल्यूम ऑफ सैंड लो, सेम वॉल्यूम ऑफ क्ले लो, तो क्ले के पार्टिकल साइज छोटे छोटे हैं क्या? डायमीटर काफी कम है क्ले का, पार्टिकल साइज, इसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, सैंड का बड़ा है, क्ले का छोटा है। तो देखो सेम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में आपने सैंड डाल दिया, आपने क्ले भी डाल दिया, तो होगा क्या, होगा ये कि क्ले के केस में भले पार्टिकल साइज छोटे हैं, पार्टिकल साइज छोटे हैं, तो लेकिन क्या होगा, छोटे 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 बहुत सारे वॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा अधिक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा ज्यादा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा कम। क्यों? यहां पे साइज ऑफ वॉइड होगा ज्यादा, यहां पे होगा साइज ऑफ वॉइड ज्यादा। साइज मतलब दो सैंड पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो ये गैप है, यही तो हम वॉइड कह रहे हैं, तो ये साइज होगा ज्यादा बड़ा, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वॉइड होंगे कम। सो अगर मैं बात करूं पोरोसिटी के बारे में, तो पोरोसिटी होगा सैंड का कम, लेकिन पोरोसिटी ऑफ सैंड का होगा कम, पोरोसिटी ऑफ क्ले होगा बहुत ज्यादा, मतलब क्ले ज्यादा पानी को स्टोर कर सकता है एज कंपेयर टू सैंड, बट सैंड का साइज ऑफ वॉइड ज्यादा होता है, इसलिए इसमें परमिएबिलिटी होती है ज्यादा, लेकिन इसका साइज ऑफ वॉइड चूंकि छोटा होता है, साइज ऑफ वॉइड नहीं, उसमें बहुत छोटी होती है, वो छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, सो ये लगभग इम्परमिएबल होता है, लगभग इम्परमिएबल होता है। इसलिए कभी कभी देखे हो जब हम कैनाल वगैरह का लाइनिंग करते हैं सीपेज लॉसेस को बचाने के लिए, तो वहां पे हम बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल करते हैं, बेंटोनाइट क्ले बहुत ही फाइन क्ले होता है ना, कैनाल लाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं बेंटोनाइट क्ले का, या फिर इसका पाइप वगैरह भी बनाते हैं। अरे जब मिट्टी का ही पाइप बनाना है, जब मिट्टी परमिएबल है, आप ये मान के चलोगे तो पानी तो उससे निकल जाएगा ना, रिस जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, इसकी परमिएबिलिटी काफी कम होती है, समझे बात, परमिएबिलिटी काफी कम होती है, वो अलग चीज है, उसमें टोटल एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होने के कारण पोरोसिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन परमिएबिलिटी कम होने के कारण इम्परमिएबल हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इन सब चीजों को ही हमको देखना होगा, मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमको यहां से अंडरग्राउंड वाटर से अगर पानी बाहर निकालनी है, तो एक तो स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए, प्लस उसका परमिएबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा जो फॉर्मेशन आपको मिलता हुआ नजर आता है, वो जनरली होता है सैंड एंड ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल जो होती है, ठीक है, ग्रेवल, इसमें क्या होता है, आपको पोरोसिटी भी इसका जो है ना काफी ज्यादा अच्छा पोरोसिटी भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, इसका पोरोसिटी का भी जो रेंज होता है सैंड एंड ग्रेवल मिक्सचर की, ये होती है आपकी 20 to 20 to 30%। अच्छा, इसका मैं टेबल अलग से लिखवा दूंगा, रुकिए, अभी इसका मैं आपको टेबल अलग से लिखवा देता हूँ। तो ऐसा एक टेबल बनाइए आप लोग, टाइप ऑफ फॉर्मेशन एंड पोरोसिटी, ठीक है, ग्रेनाइट एंड क्वार्टजाइट, इसको क्वार्टजाइट बोला जाता है, एक तरह का पत्थर होता है, स्लेट एंड सेल, स्लेट एंड सेल, स्लेट एंड सेल, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। नेक्स्ट लाइम स्टोन, लाइम स्टोन चूना पत्थर, ठीक है, फिर बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, फिर सैंड एंड ग्रेवल का मिक्सचर, सैंड एंड ग्रेवल का मिक्सचर, सैंड एंड ग्रेवल का मिक्सचर, ठीक है, फिर केवल ग्रेवल, ओनली ग्रेवल, ओनली ग्रेवल, सेवेंथ ओनली सैंड, ओनली सैंड,
ठीक है। आठवां ऑन क्ले या फिर ओनली क्ले, ठीक है ओनली क्ले, या फिर ऐसा लिखिए ओनली क्ले नहीं लिख के आप इसको ऐसे लिखिए सिल्टी क्ले, ठीक है सिल्टी क्ले, सिल्ट भी है और क्ले भी है, सिल्ट एंड क्ले, ओके ऐसा सिल्ट एंड क्ले। क्ले पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, क्ले का सबसे कम साइज होता है, उसके बाद सिल्ट का होता है, ठीक है सबसे कम होता है क्ले का, उससे बड़ा होता है सिल्ट, उससे बड़ा होता है सैंड, है ना, उससे बड़ा होता है ग्रेवल, उससे बड़ा होता है बोल्डर, फिर रॉक, ऐसे। तो देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे मैं आपको पहले वो बताना चाहता हूं, इसलिए ये टेबल केवल लिखा, अभी डेटा नहीं लिखा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चार पांच ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से बताओ सबसे ज्यादा पोरोसिटी किसका है, टिक लगाना हो, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पोरोसिटी होता है माय डियर सिल्ट एंड क्ले कॉम्बिनेशन की, जो कि होती है 45% तक, लेकिन परमेबिलिटी इनकी कम होती है, समझ रहे हो। परमेबिलिटी कम क्यों, जितने फाइन होंगे उतने परमेबिलिटी कम होगा, जितना फाइन होगा उतना परमिएबिलिटी कम होगा, और क्योंकि परमिएबिलिटी डिपेंड करता है साइज ऑफ पोर के ऊपर, साइज ऑफ पोर के ऊपर, है ना। ओनली सैंड का भी पोरोसिटी भी काफी अच्छा होता है, परमिएबिलिटी भी काफी अच्छा होता है, 25% फिर होगा इसका ग्रेवल का, ठीक है। सैंड एंड ग्रेवल अगर रहेगी तो थोड़ा सा बढ़ता है ये 20 से 30% होता है, 20 से 30%। नाउ सैंड स्टोन जो होता है बलुआ पत्थर, इसका 10 से 15% होता है पोरोसिटी। लाइम स्टोन जो होता है चूना पत्थर, 5 से 10% होता है परमिएबिलिटी। अच्छा चूना पत्थर से लाइम स्टोन से हम बनाते हैं लाइम वगैरह, और लाइम लाइम मोर्टार इज वेरी गुड फॉर बिल्डिंग, है ना, फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें सेल्फ रिहेबिलेशन प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, ब्रीदिंग एक्शन होती है, ये सब चीजें हैं, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कंपैरिजन भी आप देख के जाइएगा एग्जामिनेशन में, लाइम मोर्टार और सीमेंट मोर्टार के बीच का डिफरेंस क्या है। तो लाइम मोर्टार में परमेबिलिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सीमेंट मोर्टार इन हार्डेंड कंडीशन, जब सेट हो जाती है उसके बाद, तो ये इसमें 4%, फिर इसमें 1.5%। तो ये टेबल आप नोट बना के आपको ध्यान में रखनी है, ये कंपेरिजन टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए ऐसे में से, मतलब जो एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे 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 छोटे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आप लोग एक नोट बना के लिखिए, नोट हमने बताया था पत्थर के बारे में, सेल सेल इज पोरस, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बाकी सारा लॉजिक आप इस टेबल से बता ही पाएंगे आराम से, ठीक है, ये जो टेबल लिखवाया इस टेबल से, दिमाग लगाना है, एग्जाम के टाइम पे अटेंटिव रहना है। सेल इज पोरस बट नॉट परमिएबल, क्यों, पोर स्पेस का जो साइज होता है ना, बिकॉज पोर स्पेस इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, है ना। सिमिलरली क्ले, क्ले में भी सेम चीज लागू होती है, ये मिट्टी है क्ले एक तरह का, इज हाईली पोरस, इस आपने देखा क्ले का पोरोसिटी, क्ले क्ले और सिल्ट मिक्सचर का 45% तक पोरोसिटी रहता है, बट इट्स परमिएबिलिटी इज अगेन वेरी लेस बिकॉज एज पोर स्पेस इज ऑफ स्मॉल साइज। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका परमिएबिलिटी वेरी लेस हो रहा है, ये अभी आपको मैं समझा दूंगा इतने बेहतरीन तरीके से ना कि आप बोलोगे सर क्या, चलो मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि जो परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है, परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ रॉक और सॉइल मीडियम टू पास वाटर थ्रू इट, उसके थ्रू से, उसके अंदर से, उसके बॉडी बॉडी में से होते हुए पानी पास हो पाए, ये जो एबिलिटी होती है ये होती है आपकी पोरोसिटी, समझ गया, सॉरी परमिएबिलिटी, क्लियर है। नेक्स्ट एक नोट, अच्छा ट्रांसमिसिबिलिटी, और एक चीज मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ट्रांसमिसिबिलिटी याद करो, ट्रांस TRANSMISSIBILITY, ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है ना ये भी सेम होती है परमिएबिलिटी जैसा ही। परमिएबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे मान लो पी से, ओके ऐसा, तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऐसे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है बाई के, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, ट्रांसमिसिबिलिटी ये भी सेम है परमिएबिलिटी जैसा, दोनों का मतलब सेम है वाटर का फ्लो, बट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टू आर डिफरेंट, मतलब इनके फॉर्मूला अलग अलग है, मतलब फिजिकल मीनिंग सेम है दोनों का, ठीक है, एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए मीडियम, यही फिजिकल मीनिंग होता है, बट
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, फॉर्मूला जो है वो अलग हो जाते हैं, वो हम देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ा देर बाद। नेक्स्ट पोरोसिटी, देखिए ये टेबल भी इंपॉर्टेंट होगा आप सबके, सभी के लिए। देखिए मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं आपको ये करवा के दे रहा हूं, ताकि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए एग्जाम में इनमें से आ जाए, और ये सब चीज पूछे जाते हैं, आप देखिए भी देखे भी होंगे। आपको पोरोसिटी का रेंज दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि ये हाई पोरोसिटी है या मीडियम पोरोसिटी है, कैसा है। तो आप आपके आपके पास एक डेटा होना चाहिए जिस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर पाओ। तो अगर किसी भी चीज की पोरोसिटी 5 से 20% के अंदर है, पोरोसिटी कैसे निकालते हैं, एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। किसी भी चीज का पोरोसिटी इस रेंज में है तो उसको कहेंगे मीडियम पोरोसिटी। अगर पोरोसिटी पोरोसिटी इज लेस देन 5% तो उसे हम कहेंगे स्मॉल पोरोसिटी। इफ पोरोसिटी इज ग्रेटर देन 20% तो उसे हम कहेंगे हाई पोरोसिटी। रिमेंबर दिस, रिमेंबर, याद कर लो, ठीक है, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये परमिबिलिटी ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह के ऊपर। थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लीन कट करते हैं। और ये परमिबिलिटी एक्चुअली होता कैसे, ये साइज ऑफ पोर के ऊपर क्यों ऐसा डिपेंड कर रहा है, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, मेरे को ये बताओ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। अभी वाटर टेबल जो हम ऐसा एक लाइन बनाते हैं, क्या रियली वाटर टेबल इसी तरह से होता है? नहीं, इसमें भी अप एंड डाउन होते हैं, ये भी ऐसा वैसा ही रहता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये भी इस तरह इसी तरह से रहता है। वाटर टेबल जो ओरिजिनल वाटर टेबल है वो ऐसा ही रहता है जमीन के नीचे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, पानी हमेशा हाई हेड टू लो हेड फ्लो करेगा ना, पानी हमेशा हाई हेड से लो हेड फ्लो करेगा, मतलब ज्यादा ऊर्जा वाला पॉइंट से कम ऊर्जा वाले पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ पे देखो, तो मतलब ज्यादा ऊंचाई से नीचे तक आना है पानी को, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ये ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो लेवल डिफरेंस है, मान लो ये कोई डेटम लेता हूं मैं, दिस इज माय डेटम, ध्यान से समझना बात, ये मैं ले लिया डेटम, ये डेटम से H1 हाइट पर है और ये डेटम से H2 हाइट पर है, ठीक है, और इन दोनों का बीच का जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इट इज योर L, इसको मैं कहता हूं, ओके okay, तो ये जो इनका इनके बीच का जो एलिवेशन डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस है, उसको मैं कहता हूँ डेल्टा एच। तो ये डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, ये डेल्टा एच इक्वल टू होगा आपका H1 माइनस H2, आप इसी तरह से निकाल लेंगे। तो H1 माइनस H2 इक्वल टू डेल्टा एच, कहने का मतलब है पानी के पास इतना टोटल एनर्जी है जिसको लेके वो फ्लो करेगा, मतलब पानी के पास टोटल H1 माइनस H2 का एनर्जी है इतना, मतलब डेल्टा एच का एनर्जी है जिसको लेके वो फ्लो करेगा, मतलब ये 0.1 है अगर और ये 0.2, तो 0.1 से फ्लो करना जब स्टार्ट करेगा तो उसके पास डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, और जैसे ही उसको कितना लेंथ कवर करना है, एल लेंथ कवर करना है, तो एल लेंथ कवर करेगा तो उसमें ये डेल्टा एच एनर्जी को खपत करेगा, समझ गए। मतलब जित आपके पास आपको जाना है दिल्ली से पटना, कहाँ जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, तुम्हारे पास है 2000 रुपये। अब तुम पूरे दिल्ली से पटना तक के सफर में 2000 खर्चा करोगे ना, जितना तुम्हारे पास रहेगा उतना ही खर्चा करोगे। मान लो किसी के पास 5000 रुपया है, तो जिसके पास 5000 रुपया वो 5000 खर्चा करेगा। अब इसमें दोनों में एक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जिसके पास 5000 है वो ज्यादा ज्यादा खर्चा करेगा, जिसके पास 2000 है वो कम कम खर्चा करेगा, डिफरेंस वो है। तो यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं हम लोग माय डियर, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसे कहा जाता है एज ए आई, ठीक है, और इसे हम कहते हैं हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। कि 1 मीटर अगर फ्लो करेगा, मतलब ये एल लेंथ जो है मान लो 50 मीटर है, तो 50 मीटर में उसको डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हेड खपत करनी है, तो 1 मीटर फ्लो करने में वो कितना खपत कर रहा है, समझे, इस चीज को कहा जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये जो परमेबिलिटी की कॉन्सेप्ट है ये दिया था डार्सी ने, और डार्सी ने ये एज्यूम किया था कि सॉइल के अंदर जो फ्लो हो रही है उसको लेमिनार हो रही है, तो लेमिनार फ्लो एज्यूम करके डार्सी ने, ध्यान से सुनना ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है एजम्पशन वगैरह, डार्सी ने जो एज्यूम किया था, ये सब इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, डार्सी ने जो एज्यूम किया था वो एज्यूम किया था फ्लो, ये सब सॉइल मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग द बेसिक्स पार्ट हियर ओनली। तो डार्सी ने ये एज्यूम किया था कि द फ्लो थ्रू द सॉइल इज लेमिनार,
और सॉयल के थ्रू से फ्लो लेमिनार जनरली होती नहीं है, ठीक है, जनरली लेमिनार फ्लो सॉयल के थ्रू से होती नहीं है, और लेकिन डार्सी ने ये एजम्पशन लिया था, और लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इन सब चीजों को डिफाइन करने का हमारे पास एक नॉन डायमेंशनल नंबर हुआ करता था जिसको हम कहते थे रेनॉल्ड्स नंबर। सो सॉयल के अंदर से फ्लो अगर होगा लेमिनार तो उसका रेनॉल्ड्स नंबर लगभग होता है बराबर 1 का, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू पर लेमिनार कंडीशन फ्लो इनटू दी सॉयल तो 1 से कम या 1 के बराबर है, 1 से ज्यादा होगा तो फ्लो फिर लेमिनार नहीं होगा सॉइल के अंदर में, ठीक है। तो डार्सी ने ये एजम्पशन लेके ये सारा कॉन्सेप्ट कुछ डिफाइन किया था, एक टर्म डिफाइन किया था उन्होंने, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे हो पानी, इसको एक नोट बना के एंट्री करना जो चीजें हम लिख रहे हैं इन सब चीजों को, ठीक है, और सुनते रहिए, समझते रहिए, समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पानी को पॉइंट वन से पॉइंट टू तक फ्लो करना है, और टोटल एल लेंथ है उसमें डेल्टा एच हेड को खपत कर रहा है, तो एक एक मीटर या फिर पर यूनिट लेंथ जब वो ट्रेवल कर रही है तो वो आई अमाउंट ऑफ हेड लॉस कर रहा, इसी को हम कहते हैं हेड लॉस पर यूनिट लेंथ या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब देखो लेंथ तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, सो टोटल खर्चा करने के लिए अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो आई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो हेड डिफरेंस अगर ज्यादा है तो आई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो हेड लॉस हो रही है ये बेसिकली क्यों होगी, मतलब पानी में लॉसेस क्यों होगा। देखो पानी किसके किसके बीच फ्लो कर रहा है, पानी का फ्लो को अब यहाँ पे समझो, पानी जो फ्लो करेगा कैसे करेगा, यहाँ पे बनाता हूँ। देखो सॉइल का छोटा 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 दाना है अगल बगल, छोटा 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 ऐसा 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 छोटा 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 बहुत छोटा छोटा ऐसा ऐसा दाना है, ये तो है सॉइल पार्टिकल या फिर रॉक वगैरह होगा मान लो, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो वॉइड स्पेस वगैरह है ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए ऐसे देखो एक पाइप जैसा नहीं बना रहा है, तो इन्हीं स्पेस के थ्रू से ना वाटर फ्लो करेगी, तो इन्हीं स्पेस के थ्रू से वाटर फ्लो करेगी, तो क्या वाटर वाटर जो है वो सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में है, तो क्या कभी भी जब भी ऐसा कोई दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या यहाँ पे हेड लॉस होगा, समझे बात को, यहाँ पे हेड लॉस क्यों हो रहा है, द हेड लॉस इज अकरिंग ड्यू टू फ्रिक्शनल हेड लॉस। अब मुझे ये बताओ एक फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ठीक है, हेड लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। एक जनरल कॉन्सेप्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट आती है फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डार्सी विसबैक इक्वेशन, डार्सी विसबैक इक्वेशन, उसमें भी डार्सी जुड़ा हुआ है लेकिन और एक वैज्ञानिक जुड़े हुए थे, डार्सी विसबैक इक्वेशन, ठीक है, सेम नहीं है, अलग अलग चीज है, दोनों दोनों अलग अलग है, डार्सी विसबैक इक्वेशन, ठीक है, विसबैक इक्वेशन, तो ये फ्लूड में हम यूज करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट हमको यहीं से मिलता है। डार्सी विसबैक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन था वो था एफ एल वी स्क्वायर, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। ये डी क्या था, मतलब ये पाइप में जब फ्लो होती थी, कोई भी एक पाइप है मान लो डी डायामीटर का, इस डी डायामीटर में पाइप, डी डायामीटर के पाइप में फ्लो हो रही है, मतलब पानी यहां से एंटर हुई और यहां तक इस एल लेंथ ऑफ पाइप को फ्लो की, ठीक है, तो यही है वो लेंथ एल, मान लीजिए इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो था वी एवरेज इक्वल टू इतना, तो यही है वो वेलोसिटी एफ, और ये जो होती है इसको कहते हैं फ्रिक्शन फैक्टर, ये जो एफ है ये पाइप का डिपेंडिंग ऑन पाइप मटेरियल फ्रिक्शन फैक्टर डिफाइंड होती है, वो हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं तो आप फ्लूड मैकेनिक्स में देख लीजिए वो समझ जाएंगे, लेकिन इसको ध्यान में रखिए फ्रिक्शन फैक्टर, इसके अंदर मैं अभी नहीं जाने वाला, इसको निकालने का तरीका भी होता है फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है, जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है कितना, 64/RE, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं बता ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, मैं अभी कहना क्या चाहता हूँ, जो समझाना है मेरे को, देखो हेड लॉस का जो रिलेशनशिप है डी के साथ वो कैसा है, डायरेक्ट ना इनवर्स, डायामीटर ऑफ पाइप के साथ हेड लॉस का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर डाया ज्यादा तो हेड लॉस होगा कम। सो मुझे ये बताओ कि मैं कभी भी ज्यादा अपना एनर्जी खर्चा करना चाहूंगा ना कम एनर्जी खर्चा करना चाहूंगा, आइडियली बताओ ईमानदारी से सोच के, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम कम से कम ऊर्जा खर्चा करें और ज्यादा बेनिफिट हो मेरा, समझ में आ रहा है। सो यहां पर भी सेम यही चीज होता है, एनर्जी कम खर्चा हम करना चाहते हैं, सो इसलिए
इसलिए जब आपका बड़ा बड़ा पोर स्पेस अगर बड़ा बड़ा है, मतलब सॉइल सॉल्ट का दाना बड़ा बड़ा है, तो उनके बीच का पोर गैप भी बड़ा बड़ा होगा, तो जो पाइप बनेगा ना उसका डायमीटर एवरेज अगर देखोगे तो ज्यादा बनेगा, उसमें हेड लॉस होगी कम, तो परमिएबिलिटी होगी उससे ज्यादा, ज्यादा पानी बाहर निकाल पाओगे अधिक वेलोसिटी से, अधिक रेट से, क्योंकि हेड लॉस हो रहा है कम। सो सैंड वगैरह से जो सॉइल होता है सैंडी सॉइल, जिसमें मतलब पोरोसिटी भी होती है और साइज ऑफ वॉइड भी ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, तो उसका परमिएबिलिटी भी अच्छा होता है एंड स्टोरेज भी लगभग ठीक ठाक मिल जाता है आपको। समझ गए? ओके, तो ये चीज होती है, ये लिंकअप था, ये लॉजिक मैं आपको बताना चाहता था। इसलिए टरबाइन वगैरह आप अगर पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन में, जो पावर प्लांट में टरबाइन हम रिजर्वायर से लेके, डैम के रिजर्वायर से लेके टरबाइन के माध्यम से, जो बड़ा बड़ा पाइप होता है जिसको हम पेन स्टोक कहते हैं, उसका डायमीटर क्यों ज्यादा रखते हैं? ताकि हेड लॉस उसमें कम मिले। समझ में आ रहा है? और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एनर्जी है वाटर का, वो हमें टरबाइन स्टेशन तक पहुंचे, समझे? इसलिए लार्जर डायमीटर पाइप्स आर प्रिफर्ड, सो दैट हेड लॉस इज वेरी लेस, समझे? लेंथ ऑफ पाइप भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, हेड लॉस कम होगा। सॉरी, लेंथ ऑफ पाइप ज्यादा होगा, हेड लॉस ज्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, हेड लॉस ज्यादा होगा। डायमीटर ज्यादा, हेड लॉस होगा कम। ये लॉजिक याद रखना, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, है ना? ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो हम अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो हम देख समझ रहे थे परमिएबिलिटी, तो मोटा मोटी परमिएबिलिटी को आपने अभी एक फिजिकल वे में आपने समझा है। तो यहाँ पे ये हेड लॉस पर यूनिट लेंथ आपने समझा है, तो मेरे को ये बताओ, अगर आई का वैल्यू कम होगा, जिसमें भी आई का, अगर हेड लॉस का वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो मुझे ये बताइए, हेड लॉस, अच्छा ये बताओ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ अगर कम होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा सॉइल के अंदर में? अगर हेड लॉस पर यूनिट लेंथ अगर कम हुआ है, इसका मतलब तो ये क्या क्या पॉसिबल है? सबसे पहले तो ये पॉसिबल है कि टोटल हेड ही कम था, है ना? या फिर टोटल हेड ही कम था, एक तो ये बात होगी, या फिर दूसरा बात क्या होगा? दूसरा बात ये रहा होगा कि फ्लो कम लेंथ तक किया होगा। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, चलो यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको मोटा मोटी यहीं समझ में आया। मैं यहीं से डार्सी लॉ को लिखता हूँ, छोड़ो, यहाँ पे ये चीज समझ में आया ना, ये बात, हेड लॉस होगा ज्यादा कब? जब वेलोसिटी होगा ज्यादा। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया इन्होंने, और इन्होंने ये बोला कि इफ माई, ये बात कर रहे हैं सॉइल के अंदर, ये मान लीजिए कोई सॉइल मीडियम है, ठीक है, हम उसका एक मतलब यूनिट एरिया ऐसा ले लिए, ओके, ऐसा, अब पानी इधर से एंटर हो रहा है, इधर से निकलेगा ऐसा, ओके, तो इस सॉइल मीडिया के लिए ये बात कर रहे हैं, सॉइल के लिए, कौन? डार्सी। और इन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू दिस सॉइल मीडिया वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ दिस सॉइल मीडिया। ये बात इन्होंने बोला, मतलब v इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इन्होंने बोला v विल बी इक्वल टू k टाइम्स i। यही होती है परमिएबिलिटी की इक्वेशन, यहाँ पे k इक्वल टू नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, जो कि होता है v अपॉन i, समझे? तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो k का यूनिट आप देख रहे हैं, k का यूनिट क्या, अच्छा i का यूनिट कुछ है क्या? हेड लॉस जो है ये भी मीटर में होता है, लेंथ भी मीटर में है, तो आई का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, आई का कोई यूनिट नहीं होता। तो के का यूनिट वेलोसिटी जैसा है क्या? देखिए, के का यूनिट वेलोसिटी जैसा है ना? तो के का जो डायमेंशन होता है उसको हम लिखते हैं लेंथ बाई टाइम, ये चीज आपसे पूछा जाएगा, ओके, लेंथ बाई टाइम। अब मान लो ये जो सॉइल जो था, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है ए, ठीक है, तो वेलोसिटी आपको निकल गया इक्वल टू के आई, तो मुझे निकालनी है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू के आई ए, है ना? मतलब क्यू इंटू, सॉरी, वेलोसिटी इंटू एरिया। क्या कर रहे हैं भाई, इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इंटू एरिया, तो वेलोसिटी इक्वल टू के आई इंटू एरिया ए, ये निकल जाएगा आपका डिस्चार्ज। तो यहीं से ये परमिएबिलिटी इस तरह से डिफाइंड होती है ना? अब देखो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी
अच्छा ये जो एरिया था, ये एरिया इसको हम ऐसे, एक मिनट रुकिए, देखिए ये जो एरिया हमने लिया था सॉइल का, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए ये एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डेप्थ ऑफ सॉइल लिया था, जो भी सॉइल मीडियम उसका डेप्थ, और ये विड्थ बी, ऐसा है ना। तो अगर यहां से मैं डिस्चार्ज को लिखूं तो मैं वी इंटू डी इंटू बी ऐसे लिख सकता हूँ, वी इंटू डी इंटू बी ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज योर डिस्चार्ज। नाउ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है? इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दिस पर्टिकुलर सॉइल पर यूनिट विड्थ। यहाँ पे बी इक्वल टू हम लेते हैं 1 यूनिट, यूनिट विड्थ, ठीक है। मतलब बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 यूनिट, बस यही चीज होती है आपकी ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट विड्थ, समझ गए? तो यही चीज होती है ट्रांसमिसिबिलिटी। इज इट क्लियर? सो अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे किसके किसके बीच में, परमिएबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी के बीच में, तो ट्रांसमिसिबिलिटी टी इक्वल टू होता है के इंटू डी। तो के का यूनिट कैसा था? के का यूनिट था, देखो के का यूनिट था लेंथ बाई टाइम और डी लेंथ। तो ट्रांसमिसिबिलिटी का यूनिट लेंथ बाई लेंथ स्क्वायर बाई टाइम, मतलब इस तरह का, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड या मीटर स्क्वायर सेकेंड, ऐसा आएगा ट्रांसमिसिबिलिटी का यूनिट। समझ गए आप? क्लियर है? तो ये यूनिट्स वगैरह ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे पूछेंगे। तो ये पर यूनिट विड्थ डिफाइंड होती है, बस इतना सा बात। ओके, जैसा परमेबिलिटी को डार्सी साहब ने दिया था, ट्रांसमिसिबिलिटी को और एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम है थीसिस, थीसिस, ठीक है, इन्होंने दिया था। और यहाँ पे टी को डिफाइन किया था, ये जो टी है इट इज कॉल्ड एज योर कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, को इफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। वाला चैप्टर में सॉइल मैकेनिक्स में ये सब चीज हमने पढ़ा रखा था वैसे, कोफिशियंट। अच्छा ओके ओके, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। और ये जो के है इसको कहते हैं कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। नाउ नाउ ये जो निकाले गए ये सारे चीज, जो सॉइल का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस ये सारा कुछ डिफाइंड है, क्लियर। अब मैं आपको और एक टेबल देता हूँ, पोरोसिटी सॉरी परमिएबिलिटी का टेबल। अच्छा मेरे को ये बताइए, कौन से सॉइल में सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होगा? सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी किस में होगा? सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होगा ग्रेवल के अंदर में। किसमें होगा सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी? ग्रेवल के अंदर में। उसके बाद सैंड और ग्रेवल का मिक्सचर में ज्यादा परमिएबिलिटी होगा। उसके बाद होगा, आपको देखने को मिलेगा सैंड में, फिर सैंड स्टोन में, है ना, फिर लाइम स्टोन में, फिर सेल्ट एंड सेल में, क्लियर है, समझ रहे हैं, फिर ग्रेनाइट क्वार्टजाइट जो लिखवाया था उनमें। उसके बाद सबसे कम आपको देखने को मिलेगा क्ले वाले में, है ना, क्ले में आपको सबसे कम परमिएबिलिटी देखने को मिलेगा। तो क्ले इज हाईली इम्परमिएबल। आप ये नहीं सोचना कि मिट्टी है तो वो परमिएबल होगा, नहीं, क्ले बहुत ज्यादा उसका परमिएबिलिटी नहीं होता। सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी याद रखना ये होता है सैंड से रिलेटेड जो चीज, सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होगा ग्रेवल में, ग्रेवल के बाद सैंड से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें, मतलब ग्रेवल में सबसे ज्यादा, फिर ग्रेवल सैंड मिक्सचर में, फिर सैंड में, फिर सैंड स्टोन में, फिर लाइम स्टोन में, ऐसा। क्ले का सबसे कम, क्ले का परमेबिलिटी सबसे कम, समझ गए? क्लियर है? सो यहां से एक्चुअली मैं क्या कुछ समझाना चाहता था, चलिए मैं एक टॉपिक और शुरू करता हूँ। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वीफर वगैरह। अब सुनिए एक कॉन्सेप्ट नया, ठीक है। देखिए
मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ओके दिस इज योर ग्राउंड लेवल, इसके नीचे पूरा मिट्टी है, पूरा मिट्टी 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 है, दिस आर दी सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर आपका वाटर टेबल है, यहाँ पर कहीं पर वाटर टेबल है, दिस इज योर वाटर टेबल, ऐसा कुछ जा रहा है। तो इसके नीचे में जो सॉइल होगा इट विल बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड, इट विल बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड, है कि नहीं। अब मेरे को ये बताओ, आपको कुआं खोदना है, तो आपने क्या किया, इस जगह पे एक कुआं खोदा, ओके इस जगह पे एक कुआं खोदा, ऐसा कुछ। अब इस कुएं से आप पानी निकालोगे बाहर, ओके आप इस कुएं से पानी निकालेंगे, तो देखिए इस कुएं में पानी कैसे आएगा, अगल बगल का जो पानी है वो इस कुएं में फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगल बगल का पानी इस कुएं में फ्लो करेगा, तो कुएं में पानी का लेवल जो नियर बाय वाटर टेबल है ना, इस लेवल तक पानी इस कुएं में भी आ जाएगी, भर जाएगी, समझ रहे हैं, इस कुएं में भी वाटर आ जाएगी, भर जाएगी, तब इस कुएं से आप पानी को लिफ्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है। तो ये देखिए, ये जो अगल बगल से पानी फ्लो कर रहा है इस कुएं में, ये क्यों फ्लो कर रहा है, ये जनरली फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण फ्लो करती है ना। मतलब पानी कोई ऊंचे वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पे आ रही है, बस यही बात है, लेवल डिफरेंस होने के कारण वाटर फ्लो कर रहा है, समझ रहे हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ये फ्लो करता है। अब देखिए, मैं ये चीज इसलिए समझा रहा हूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं अभी, ओके एक चीज, एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, हम समझाना चाहते हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक इल्ड एंड रिटेंशन। ये क्या होती है स्पेसिफिक इल्ड एंड रिटेंशन, ये दो टर्म होते हैं जो हमें समझनी है एग्जाम में, इस पर से डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखते हैं, देखिए ये जो कुएं में पानी आ रही है, ठीक है, सोचिएगा बात एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, ये जो कुएं में पानी आ रही है, ये अगल बगल के कोई मटेरियल से पानी आ रही है, मतलब मान लो इतना का सॉइल है, ठीक है, ये अगल बगल का सॉइल है, यही तो सैचुरेटेड कंडीशन में था, तो इसी सॉइल से वाटर ड्रेन होके इस वेल में जा रही है ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर यहां से आप पानी को निकाल पा रहे हैं। तो ये जो पानी आप निकाल पा रहे हो इस कुएं से, इसको कहते हैं इल्ड। मान लीजिए ये टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल मटेरियल के अंदर जो वॉइड्स थे उसके अंदर के जो पानी है वही तो जा रहे हैं, तो वी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन हुआ मतलब उसके अंदर जो वॉइड्स के अंदर जो पानी है वो निकल के इस वेल में आए, फिर यहां से आपने वी वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकाला, तो स्पेसिफिक इल्ड जो डिफाइन हम करते हैं वो हम करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने बाहर निकाला उस कुएं से और कितना टोटल मटेरियल से ड्रेनेज हुआ था उस कुएं में, समझे बात को, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने उस कुएं से बाहर निकाला और कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का ड्रेनेज हुआ था उस कुएं में, इस चीज को कहा जाता है स्पेसिफिक इल्ड, मतलब उस सॉइल का इल्ड होता है वो, मतलब मान लो ये कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ऐसा मान के चलिए। अब सुनिए कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये फोटो भी क्यों दिया है आपको सब समझ में आएगा, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, अब इसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा है ना, उन्हीं वॉइड्स में तो वाटर होंगे, उन्हीं वॉइड्स में आपका होगा वाटर, ठीक है, वाटर और ये हो गया सॉइल, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उन्हीं में होगा ये पानी, समझ गए। अभी देखो यहां पे एक टर्म लिखा गया है ड्रेनेज ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जरा मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या कैसे समझेंगे, देखिए इसलिए हमने ये स्पंज लेके आया हुआ है, ये क्या है स्पंज है ना, अब आपकी इमेजिनेशन की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, ये है स्पंज जान रहे हो ना, सीट वीट में लगा रहता है, क्या करो बाबू लोग, ये जो स्पंज है, इस स्पंज को सबसे पहले तुम क्या करो, पानी में डुबा दो, बाल्टी में डुबा दो, स्पंज को किस में डुबा दिए, बाल्टी में डुबा के जस्ट स्पंज को उठाओ, बाल्टी में स्पंज को डुबा दिए, फिर बाल्टी से स्पंज को बाहर निकालो,
तो पकड़े रहो बस, उसको दबाना नहीं बाहर से, किसी भी तरह से दबाना नहीं, कुछ नहीं, हल्के से पकड़े रहिए बस। बाल्टी, बाल्टी में डुबा दिए, मतलब बाल्टी में है पानी है ना, एक बाल्टी था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें इस स्पंज को डुबा दिए हो, सोचते रहना ऐसा कर रहे हो। फिर उसको तुम जब बाहर निकालोगे तो देखोगे वो स्पंज जो था, इससे पानी अपने आप, जो स्पंज थी, सबसे पहले क्या हुआ होगा, जब आपने बाल्टी में स्पंज को डुबाया तो इसके जितने भी वॉइड्स होंगे, इसमें वाटर फुल हो गया होगा, वाटर एकदम भर गया होगा इस स्पंज के अंदर। फिर जब आपने इसको ऊपर उठा दिया पानी के, पानी से बाहर निकाल दिया, तो वाटर जो है ना अपने आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अच्छा, अब ये जो स्पंज में जो वाटर फिल हुआ होगा, तो स्पंज में जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, उतना ही टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में ना पानी फिल हुआ होगा, और तो कोई जगह नहीं है जहां पे पानी घुसी होगी। तो फिर आप बाहर निकाले अभी, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में, मतलब नीचे ऐसे इस डायरेक्शन में पानी बाहर निकल रहा है, तो यही जो ड्रेनेज होता है ना, इसी को कहते हैं ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर, या फिर इसी को कहते हैं ग्रेविटी के कारण फ्लो होना, ठीक है। और ये पानी सीधा का सीधा जाके कहाँ चला जाएगा, वाटर टेबल में चला जाता है। ओके, मतलब कहना चाहते हैं कि मान लो ये कोई सॉयल है, जैसे सॉयल, इसके ऊपर बरसात हुई तो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होगा है ना, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, तो पहले तो वॉइड भरेंगे 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 भरेंगे, फिर जो एक्सेस वाटर होती है वो सीधा का सीधा वाटर टेबल में चली जाती है, ठीक है। वो जो वाटर होती है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी वाटर। तो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण फ्लो होना समझ में आया है ना। तो एक बात तो ये, दूसरा बात ये देखो, अभी पानी जितना फ्लो होना था ग्रेविटी के कारण फ्लो होके निकल गया, टाइम लगेगा फ्लो होके निकल गया, लेकिन क्विकली, ज्यादा समय भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी ये फ्लो होना बंद हो जाएगा, स्पंज से फ्लो होता गया होता गया, फिर बंद हो गया, बंद हो गया। मतलब अब देखो, अब मेरे को ये बताओ, इस कंडीशन में क्या स्पंज में अभी पानी नहीं है? स्पंज में अभी भी तो पानी है। अब उस स्पंज को अब अगर आप दबाएंगे तो देखिएगा पानी निकलेगा, निचोड़ के निकालेंगे तो पानी निकलेगा। वो पानी कहाँ है? उस स्पंज के वॉइड में है, उस स्पंज के वॉइड में पानी फंसा हुआ है, और वो पानी बह के नहीं गई, मतलब अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो पानी उस स्पंज के वॉइड में स्टोर्ड है, मतलब पोर में ही तो स्टोर्ड है। मैक्सिमम पोर में जो पानी था वो पोर से पानी बाहर निकल गया, सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन आउट हो गया ग्रेविटी के कारण, ठीक है। लेकिन कुछ पानी अभी भी स्टोर में ही है जो कि ड्रेन आउट नहीं हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। जैसे तुम आप दबाओगे, मान लो इसको दबा रहे हो तो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो, तब वो पोर से बाहर निकल रही है ना, तब वो पोर से बाहर निकल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये कुआं वाला एग्जाम्पल देखो, अब यहां से क्या होगा, देखिए ये जो अगल बगल का सॉइल से ही तो ड्रेनेज हो रहा है, तो अगल बगल के सॉइल में वॉइड ही तो है जिसमें पानी है, तो कुछ पानी ड्यू टू ग्रेविटी सीधा का सीधा कुआं में आ जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी सीधा का सीधा कुआं में आ रही होगी जिसको आप ड्रेन करोगे, है ना। तो ड्यू टू ग्रेविटी जो पानी इस कुएं में आती है, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी जो पानी इस कुएं में आती है फ्रॉम ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो और जो आप पानी निकाल रहे हो उसका रेशियो अगर लेंगे, मतलब वी डब्ल्यू बाई वी ये वाला अगर रेशियो लेंगे, तो हमें निकलेगा स्पेसिफिक यील्ड कितना है इस कुएं का। और जो पानी ग्रेविटी के कारण ड्रेन होके इस मटेरियल से, ग्रेविटी के कारण ड्रेन होके यहाँ पे नहीं पहुंच पाई, कुएं तक नहीं आई, और उसको आप निकाल नहीं पा रहे ड्यू टू ग्रेविटी, वो पानी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, मतलब वो पानी स्टोर्ड है तो वो ड्यू टू ग्रेविटी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तो मतलब वो पोर में ही स्टोर्ड है, उस पर्टिकुलर सॉइल के पोर्स में ही स्टोर्ड है, तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड, ठीक है, कितना पानी स्टोर हो रहा है, मतलब कितना पानी ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। यहाँ पे दो अलग अलग चीज है, समझ गए, स्पेसिफिक रिटेंशन एंड स्पेसिफिक यील्ड, मतलब जो इस स्पंज में रह जा रहा है जितना पानी, ठीक है, स्पंज का वॉल्यूम है वी मान लो, जितना पानी स्पंज में रह गया उतना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इस स्पंज का है ना, इस स्पंज का टोटल वॉल्यूम, मतलब स्पंज का टोटल वॉल्यूम यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, स्पंज का टोटल वॉल्यूम बाई जितना पानी इस स्पंज के वॉइड में रह गया, इसे कहेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन। प्लस प्लस इस प्लस ये स्पेसिफिक इल्ड क्या होगा, स्पेसिफिक इल्ड होगा जितना पानी स्पंज से बाहर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई
इस स्पंज का टोटल वॉल्यूम, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक यील्ड, समझे। सो ये जो टोटल पानी जो अंदर रह रहा है और जो बाहर निकल रहा है, ये तो इस सॉइल के वॉइड में ही थे, इस सॉइल के वॉइड में ही थे, है ना। सो अगर इन दोनों पानी को मैं जोड़ दूं, कहने का मतलब अगर मैं स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन को जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पोरोसिटी ऑफ दिस सॉइल एंड, है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला बनाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब मैं बनाता हूँ इसका फॉर्मूला। स्पेसिफिक यील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ए रेशियो, ये क्या है, ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है, इसको हम स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं, स्पेसिफिक यील्ड। तो सुनिएगा बात को, इट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाई, ऑब्टेन्ड बाई ग्रेविटी ड्रेनेज, ऑब्टेन्ड बाई ग्रेविटी ड्रेनेज, ग्रेविटी ड्रेनेज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड, मटेरियल ड्रेन्ड, क्लियर है, इंटू 100 कर देंगे तब स्पेसिफिक यील्ड परसेंटेज में निकल जाएगा। स्पेसिफिक रिटेंशन इसको एस आर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक रिटेंशन हो रही है, मतलब सॉइल के अंदर जो पानी है अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होल्ड अप होकर रह रही है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग अगर वाटर कंटेंट निकालेंगे सॉइल का, मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, है ना, उसके उस वाले सॉइल का अगर वाटर कंटेंट निकालेंगे, तो उसका वाटर कंटेंट जो निकल के आता है उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, उसी को कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। इरीगेशन में पढ़े हैं कि नहीं मालूम नहीं, ठीक है, ये सब कुछ बहुत प्यार से हम लोगों ने पढ़ाते हैं। तो SR इक्वल टू क्या होता है, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन। आइडिया तो लगी गया होगा, रिटेंशन कैसे हो रहा है अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, यहाँ तो हम फेस नहीं दिखा पा रहे, ठीक है, लेकिन वेल वॉल्यूम ऑफ वाटर इसको हम कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर भी हम अपनी तरफ से इतना कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो हमने सब्जेक्ट पढ़ाया 100% क्लियर हो। हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये सब एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, टिक लगा देना। हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड, मटेरियल ड्रेन्ड। बात समझ में आई, है ना। स्पेसिफिक रिटेंशन को, इसको लिखता हूं स्पेसिफिक रिटेंशन, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम फील्ड कैपेसिटी भी कहते हैं, या फिर मॉइस्चर कंटेंट इज करस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी, या फिर सिंपली फील्ड कैपेसिटी लिख लो, एक टर्म रिलेट हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी वाला जो टर्म है, ये हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में इस टर्म का यूज करते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर इस टर्म का यूज किया जाता है, फील्ड कैपेसिटी का, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अगर देखो, तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड है, नीचे जो डिनोमिनेटर में ले रहा हूं, चाहे ऊपर वाले फॉर्मूले में देखें, नीचे वाले में देखें, तो ये क्या था, वो वॉल्यूम ऑफ स्पंज है ना। ऊपर वाला फॉर्मूला में ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाय ग्रेविटी ड्रेनेज क्या है, जैसे स्पंज से आप स्पंज को पानी में डुबा के बाहर निकाला था, तो जितना पानी बाहर निकल गया, वो जो कि वॉइड में ही था, वॉइड में ही गया होगा, तो जितना पानी उस वॉइड से बाहर निकल गया ग्रेविटी के कारण, वही वो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। और स्पेसिफिक रिटेंशन में क्या है, जो पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट रह गया स्पंज के अंदर, जिसको ऐसे नहीं निकलेगा, जिसको दबाने से, एडिशनल प्रेशर लगाने से, मतलब पंपिंग करके निकाल पाओगे, मोटर लगाना होगा,
लगाना होगा वहां पे, तब जाके उस पानी को खींच के बाहर निकाल पाएंगे। समझ गए बात को? इसलिए पंप वगैरह लगाते हैं ड्रेन आउट करने के लिए, है? ओके, तो वो ऐसे नहीं निकलेगी, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, उसको फिर पंप करना होता है। इसलिए सीवर पेल्प, समर वेल पेल्प पंप देखा आपने, जो बहुत अंदर तक, ग्राउंड के अंदर तक डाला जाता है ना, वो पंपिंग करके पानी को फिर वहां से निकाली जाती है। समझे बात को? ठीक है, तो वो जो पानी है वो स्पेसिफिक रिटेंशन वाली पानी होती है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों पैरामीटर को ऐड कर दूं, किसको किसको, स्पेसिफिक इल्ड, एक मिनट यहीं पे लिखते हैं, स्पेसिफिक इल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन को। ठीक है, अच्छा इसको एस एन भी कभी कभी लिखेंगे, स्पेसिफिक रिटेंशन को एस एन भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, एस एन। ठीक है, स्पेसिफिक इल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे को क्या मिलेगा? पोरोसिटी। समझ गए? स्पेसिफिक इल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन को अगर ऐड कर दूं तो ये मिलेगा मेरे को पोरोसिटी। ये फॉर्मूला समझ गया बात? ठीक है, दिस विल बी द पोरोसिटी ऑफ द मटेरियल। पोरोसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मतलब यही, जो सॉइल, जिस सॉइल का बात कर रहे हैं, नीचे टोटल वॉल्यूम है ही दोनों में, ऊपर में दो अलग अलग तरह का पानी है जो कि वॉइड में ही है। एक पानी निकल गया, दूसरा पानी नहीं निकला, तो जो निकल गया निकल गया, जो नहीं निकला कोई बात नहीं, तो वॉइड का ही तो समेशन बता रहा है, सम ऑफ वॉइड ही तो बता रहा है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। समझे? जब ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, जो कि होगा क्या? पोरोसिटी। तो इस इक्वेशन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी क्वेश्चन में दे देगा स्पेसिफिक रिटेंशन इतना, स्पेसिफिक इल्ड बताओ, पोरोसिटी दे देगा, कभी ये दे देगा, वो दे देगा, कोई एक डेटा पूछो, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाता है ये, एक एक तरह का। क्लियर है? होप कि यहां तक सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। तो अब आगे समझने लायक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इस पर बेस्ड ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिखाया, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन वगैरह, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। मान लो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कहने का मतलब, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सॉइल के नीचे का स्ट्रक्चर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के नीचे का स्ट्रक्चर है, कहीं पत्थर पत्थर हो सकता है, कहीं सैंड सैंड हो सकता है, कहीं क्ले क्ले हो सकता है। तो डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, उनकी डिफरेंट स्पेसिफिक यील्ड एंड डिफरेंट कैपेसिटी होती है। समझ रहे बात? डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक इल्ड होती है। तो अब वो सब चीज हमको पढ़ना है, किसी से हम पानी निकाल पाएंगे, कहीं से पानी नहीं निकाल पाएंगे। समझे? जैसे एक्वीफर होता है, एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर को हम बोलते हैं वाटर स्टोरेज, एक तरह का जनरल वाटर स्टोरेज कहा जाता है। चलिए अभी देखते हैं ये सब टर्म। ठीक है, तो इतना ये सब लिख लीजिए, होप कि आपको समझ में आई होगी। ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं, मतलब जो मटेरियल टाइप होते हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं, है ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका अलग अलग नाम होता है, मतलब ये परमेबिलिटी पर डिपेंड करता हुआ, है ना, अलग अलग होता है। एक होता है एक्वीफर, एक होता है एक्वीटार्ड, एक होता है एक्वीक्लूड, एक होता है एक्वीफ्यूज। ये अलग अलग चार तरीके के होते हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहला है एक्वीफर। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एक्वीफर? पहले स्टेटमेंट पढ़िए, एन एक्वीफर इज अ सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये मिट्टी का सैचुरेटेड फॉर्मेशन है। सैचुरेटेड मतलब इसके जितने भी वॉइड्स हैं उस सारे वॉइड्स में पानी है। इट नॉट ओनली स्टोर वाटर, ये केवल वाटर को स्टोर नहीं करता, बट ऑल्सो इल्ड इट इन एडिक्वेट क्वान्टिटी। मतलब इल्डिंग भी काफी अच्छा होता है, मतलब ग्रेविटी ड्रेनेज भी काफी अच्छे से होती है इसमें। समझ गए? ग्रेविटी ड्रेनेज भी काफी अच्छे से होता है। एक्वीफर्स आर हाईली परमिएबल है, इसलिए ग्रेविटी ड्रेनेज काफी अच्छे से देखने को मिल रहा है। हाईली परमिएबल फॉर्मेशन एंड हेंस दे आर कंसिडर्ड एज मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर एप्लीकेशन। एक्वीफर में सबसे ज्यादा पानी रहता है। अनकंसिडरेटेड डिपोजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल आर एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वीफर। अनकंसिडरेटेड डिपोजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, मैंने बोला था सैंड एंड ग्रेवल में पोरोसिटी भी काफी मीडियम रेंज में मिल जाती है और हमको परमिएबिलिटी उसकी हाई मिलती है, इसलिए इल्ड ज्यादा अच्छा मिलता है। और दीज आर दी सोर्स ऑफ मेजर मेजर सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर।
समझ गए, अनकंसोलिडेटेड। क्योंकि देखो अनकंसोलिडेटेड कहने का क्या मतलब है, अगर कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन अगर होता है तो क्या हम क्या करते हैं अंडर कंसोलिडेशन प्रोसेस, सॉइल मैकेनिक्स अगर पढ़ा होगा तो लोड लगाते हैं, कांस्टेंट लोडिंग हम छोड़ देते हैं बहुत समय तक, एक कांस्टेंट लोड को छोड़ देते हैं और इनके वॉइड्स के बीच में जो पानी बचे हैं, पहले देखिए पहले कॉम्पैक्शन करेंगे ना कंसोलिडेशन, पहले कॉम्पैक्शन मतलब सॉइल के अंदर जो एयर है पहले उसको निकालेंगे, एयर निकालने के बाद बचा पानी, फिर पानी निकालने के लिए कॉन्स्टेंट लोडिंग लगा के रखते हैं, कॉम्पैक्शन करते वक्त वाइब्रेशन टाइप का लोडिंग देते हैं, रोलर वगैरह चलाते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, देख रहे हैं। लेकिन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जब करवाना है, जब पानी निकलवानी है, एक कॉन्स्टेंट लोडिंग लगा के रखते हैं ताकि उससे लंबे समय तक फिर पानी निकल जाए। तो पानी निकल जाए तो क्यों, जो पानी निकल जाएगा तो ग्रेन साइज, ग्रेन्स जो होंगे, जो दाने होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, चिपक जाएंगे, वॉइड्स एकदम खत्म हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। जब उसमें वॉइड ही नहीं रहेगा तो उसमें पानी कहां से रहेगा, फिर घंटा पानी रहेगा ही नहीं ना, इसीलिए अनकंसोलिडेटेड। कैसा, अनकंसोलिडेटेड। तो ये एग्जांपल याद रखने का, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल आर एग्जांपल ऑफ एक्वीफर, इसका इल्ड काफी ज्यादा होता है, इट इज एन सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, हाईली परमिएबल इन नेचर। समझ गए, ये जो एक्वीफर होते हैं, अब ये एक्वीफर दो तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर, दूसरा हम कहते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, दूसरा कन्फाइंड एक्वीफर। यहाँ पे आप फोटो देखिए, फोटो देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये आपका सॉयल था, ठीक है, ये सॉयल है, सॉयल वगैरह, ये नीचे भी सॉयल है, ये नीचे भी आपका सॉयल है, यहाँ पर भी सॉयल ही है ना, लेकिन ये जो पानी हम ब्लू ब्लू दिखाए वो दिखाए मतलब ये सॉयल के वॉइड्स में पानी भरा हुआ है चारों बगल, समझ गए, ओके, सॉइल के वॉइड्स में पानी चारों बगल भरा हुआ है। तो यहां से यहां तक ये पूरा अलग एक सॉइल होगा, ये क्ले का एक परत दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, ये ऊपर एक पूरा एक ऐसा सॉइल है, ठीक है, इस रेंज में एक ऐसा सॉइल है जो कि है कैसा, जो कि है अनकंसोलिडेटेड सैंड या फिर ग्रेवल वगैरह है, मतलब उसमें काफी परमिएबल, परमिएबिलिटी वगैरह काफी अच्छी है उसकी, वो इस तरह का कोई सॉइल है। उसके नीचे जो है, देखिए उसके नीचे एक क्ले लेयर है, मतलब ये नीचे एक क्ले लेयर है, मतलब ये इम्परमिएबल लेयर है, इसके ऊपर जो सॉइल है दैट इज योर परमिएबल सॉइल, और इसके वॉइड्स कंप्लीटली सैचुरेटेड है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जो टॉप सरफेस है ना वो इसी सॉइल का है, परमिएबल सॉइल का ही है ना। तो इस तरह का जो सॉइल फॉर्मेशन होता है और उस वो अगर सैचुरेटेड होगी उसको हम कहेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफर, समझ गए। लेकिन 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 मान लो कोई दो इम्परमिएबल लेयर के बीच में, जैसे यहाँ पे रॉक है, बेड रॉक, और ये क्ले लेयर है, क्ले इम्परमिएबल है, बेड रॉक भी इम्परमिएबल है, तो इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में, ठीक है, आपका क्या है यहाँ पर, एक वाटर की एक्वीफर है, मतलब ये एक्वीफर कहने का मतलब ऐसा है, यहाँ पे नदी जैसा नहीं बह रहा है अंदर अंदर, एक्चुअली क्या है वहां पे सैचुरेटेड फॉर्मेशंस हैं, मतलब ऐसे फॉर्मेशंस हैं जो कि परमिएबल हैं, सैंड या फिर ग्रेवल होगा, इन दोनों के बीच में सैंड या फिर ग्रेवल फंस गया है, इन दोनों के बीच में सैंड या फिर ग्रेवल फंस गया है, तो इसमें तो जानते ही हो, इसमें पानी एकदम अच्छे से भर जाएगा, पूरे अच्छे से डबा डब लबाला, परमिएबिलिटी वगैरह भी काफी अच्छा रहेगा। तो एक पतला सा लेयर कोई सैंड और ग्रेवल का होगा, है ना, और उसके ऊपर जो लेयर होगे, मतलब यहाँ पे ये आपका परमिएबल लेयर होगा बीच में, फिर ऊपर इम्परमिएबल लेयर, नीचे इम्परमिएबल लेयर, और इस बीच में होगा पानी, ये बीच में होगा वाटर, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है इस फोटो में। तो ये जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है, सॉरी उसे हम कहते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, मतलब ऊपर नीचे दोनों बगल से वो पैक्ड है, कन्फाइंड है, मतलब पानी इधर से इधर नहीं जा सकता, इधर से इधर नहीं जा सकता, जो पानी है उसी एक्वीफर वाले रेंज में लेंथ में फ्लो करता रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जा सकता। ऊपर नीचे तभी जा सकता है जब आप कुआं एक खोदोगे, एक इम्परमिएबल लेयर जो है या क्ले लेयर, इसको भी छेद करता हुआ अंदर जाता हुआ एक वेल अगर पेनिट्रेट करवाएंगे तब जाके यहां से हम पानी निकाल सकते हैं, समझ गए। सो जो कन्फाइंड एक्वीफर होते हैं ना वो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर के अंडर में होते हैं, है ना, कॉन्स्टेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर में होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रही होती है और एक कॉन्स्टेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर में रहते हैं, इसलिए इसको आर्टिशियन वेल भी कहा जाता है,
और वो जो कांस्टेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको हम आर्टिसियन प्रेशर भी कहते हैं, समझ में आ रहा है, उसको हम आर्टिसियन प्रेशर कहते हैं, वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे रहती है, ये अंदर का ये जो जो पानी है इट इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हम इसको आर्टिसियन वेल भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसको, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, अनकन्फाइंड एक्वीफर, एन अनकन्फाइंड एक्वीफर इज एक्वीफर विच हैज फ्री वाटर सरफेस। इसका फ्री वाटर सरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्री वाटर सरफेस है इसमें, विच मीन्स द वाटर टेबल एग्जिस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ एक्वीफर, इसके लिए वाटर टेबल एग्जिस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट ये सब डायरेक्ट स्टेटमेंट एज इट इज ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे आपसे कि अनकन्फाइंड एक्वीफर में, एक्वीफर के केस में वाटर टेबल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर टेबल एक्वीफर और फ्री एक्वीफर और फेरेटिक एक्वीफर। फेरेटिक ये डैम वगैरह पढ़े हो, ठीक है, इधर इतना पानी, इधर मान लो डैम के इस तरफ इतना पानी, ये मिट्टी का डैम है अर्थ का, है ना, तो जब सीपेज होगा तो पानी ऐसे फ्लो के ऐसे जाएगी, तो ये जो फ्लो लाइन होती है ना पानी का, यही तो वाटर टेबल लाइन रिप्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर जो प्रेशर लग रही होती है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रही होती है, तो ये जो फ्लो लाइन होता है, द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, इसी को हम कहते हैं फेरेटिक लाइन, है ना, तो इसे हम फेरेटिक एक्विफर भी कहते हैं। तो ये तो डैम बॉडी में एग्जाम्पल आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा फेरेटिक किसे कहते हैं। तो ये दिस इज योर फेरेटिक एक्विफर। अनकन्फाइंड एक्विफर्स आर रिचार्ज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्विफर में अगर पानी कम हो जाएगी तो उसमें पानी कैसे भरेगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो जो रेनफॉल आई, रेनफॉल की फिर इन्फिल्ट्रेशन होगी, ऐसे ही दिस इज द आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिचार्ज, सॉरी नेचुरल मोड ऑफ रिचार्ज ऑफ द अनकन्फाइंड एक्विफर। ओके, अब पढ़िए कन्फाइंड एक्विफर। ए कन्फाइंड एक्विफर इज एक्विफर कन्फाइंड बिटवीन टू इम्परमिएबल बेड, दो इम्परमिएबल इम्परमिएबल बेड के बीच में एक लेयर है अगर, ठीक है, उसे हम कन्फाइंड एक्विफर कहते हैं। और ये जो इम्परमिएबल बेड होते हैं उनका नाम होता है एक्वीफ्यूज या फिर एक्वीक्लूड एक्सेट्रा, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए इम्परमिएबल लिखा हुआ है, मतलब ये जो टर्म है आपसे एग्जाम में ये भी पूछेंगे, एक्वीफ्यूज या एक्वीक्लूड, ये इम्परमिएबल होते हैं या नहीं होते, तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। द वाटर इन कन्फाइंड एक्विफर विल बी अंडर ग्रेटर प्रेशर विच इज ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, मतलब इस कन्फाइंड एक्वीफर के अंदर में जो पानी है उसका जो प्रेशर होगा इट विल बी ग्रेटर देन PATM। 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, 101325 पास्कल, तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे होगा। लेकिन जो अनकन्फाइंड एक्वीफर का वाटर है ना, जैसे ये अनकन्फाइंड एक्वीफर का वाटर है, तो ये वाटर टेबल है मान लीजिए, इसके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, PATM लग रही है, लेकिन कन्फाइंड एक्वीफर का जो पानी है उसके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं लगती, बल्कि उससे ज्यादा प्रेशर पे रहता है, और वो जो ज्यादा प्रेशर है उसी को हम आर्टिशियन प्रेशर कहते हैं। हेंस द वाटर लेवल शोन बाय पीजोमीटर इज ऑलवेज हायर देन द टॉप लेवल ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, सुनो बात को, देखो ये एक इम्परमिएबल लेयर, ये एक इम्परमिएबल लेयर, ठीक है, दो इम्परमिएबल लेयर हो गया, इधर मान लो क्ले है, इधर रॉक है, दिस इज क्ले दिस इज रॉक, ओके। तो अभी पीजोमीटर इज ए प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है, ये आपका एक्वीफर हो गया, दिस इज योर एक्वीफर, दो इम्परमिएबल लेयर के बीच में कन्फाइंड है, दिस इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर विच इज ग्रेटर देन पी एटमोस्फेरिक, और डिटेल जान लो भाई मैकेनिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, पीजोमीटर यहाँ पे लगाएंगे, है ना, ऐसा एक पीजोमीटर इस तरह का एल शेप का एक डिवाइस होता है, जिस तो इस पॉइंट पे पीजोमीटर लगा दिया मान लो, तो पीजोमीटर लगा दिया तो इसमें जितना प्रेशर है ना उसके करस्पॉन्डिंग वाटर क्या होगा, इस पीजोमीटर में राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी आपका टॉप सरफेस, ऐसा दिखा रहा होगा वाटर का, मतलब ये ज्यादा प्रेशर पे है, तो वाटर एक्चुअली इस लेवल पे होना चाहिए, होना
होना चाहिए था, मतलब जब इसमें कुआं खोदोगे, कौन सा इस वाले या वेल में, किस सॉरी इस वाले एक्वीफर में अगर हम कुआं खोद देंगे तो पानी अपने आप यहां तक भर जाएगा, उतना ज्यादा प्रेशर है, समझ रहे हैं, पानी अपने आप यहां तक भर जाएगा। और मान लो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है जहां तक मैं ये दिखा रहा हूँ प्रेशर का लेवल, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ये लेवल मान लो ग्राउंड पर ही है तो पानी अपने आप बिना पंपिंग किए हुए ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। और मान लीजिए ये लेवल अगर प्रेशर थोड़ा कम है तो वाटर यहां तक राइज करेगा, तो यहां तक पानी अपने आप पहुंच जाएगा इस लेवल पे, फिर यहां से आपको लिफ्ट करके निकालना होगा, ऐसा होता है, समझ रहा है प्रैक्टिकल मेन बात, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है ये पॉइंट, अब आप समझ पाएंगे इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे। हेंस द वाटर लेवल शोन बाई पिजोमीटर इज ऑलवेज हायर देन टॉप लेवल ऑफ द कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर का टॉप लेवल क्या है, ये ऊपर वाला जो लेयर होगा है ना, तो पिजोमीटर में वाटर लेवल यहां पे शो कर रहा है, यहां पे शो कर रहा है, तो वो टॉप लेवल ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर से ज्यादा ऊंचाई पे शो कर रहा है ना हमेशा, क्यों, क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर ज्यादा प्रेशर पे है करस्पॉन्डिंग टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है। द रिचार्ज ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर अकर्स एट प्लेस वेयर इट एक्सपोज टू द ग्राउंड सरफेस। नाउ ये बात इंपॉर्टेंट है, द रिचार्ज मतलब कन्फाइंड एक्वीफर में पानी कहाँ से आती है, वो कब होती है, जब ये कन्फाइंड एक्वीफर जब ग्राउंड सरफेस पे एक्सपोज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कन्फाइंड एक्वीफर है, ये जो कन्फाइंड एक्वीफर है ये ग्राउंड सरफेस पे इस जगह पे एक्सपोज है, तो यहाँ से नदी का पानी इसमें चला जाता है इस एक्वीफर में, तो ये रिचार्ज हो रही है एक्वीफर की, ठीक है, ये रिचार्ज हो रही है एक्वीफर की। लेकिन अनकन्फाइंड एक्वीफर का रिचार्ज वॉज ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस, समझ रहे हो, या और ये कन्फाइंड एक्वीफर का रिचार्ज तब होगा व्हेन इट इज एक्सपोज टू सम ग्राउंड सरफेस, तो जो ग्राउंड सरफेस से जो पानी है फिर वो कन्फाइंड एक्वीफर में जाएगी, क्लियर है, ये सब बात क्लियर हुआ, इसका बेसिक मैकेनिज्म क्लियर हुआ। तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, इस प्रेशर को हम आर्टिशियन प्रेशर भी कहते हैं, इसीलिए इसको आर्टिशियन एक्वीफर भी कहा जाता है, या फिर इस वाले एक्वीफर में जो कुआं हम खोदेंगे उसको हम आर्टिशियन वेल भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिशियन वेल, आर्टिशियन वेल, समझ रहे बात को, समझ गए बात को, ठीक है। अब बात करते हैं एक्विटार्ड क्या होती है, ठीक है, तो देखिए पढ़िए समझ में आ जाएगा अब। एंड एक्विटार्ड इसलिए हमने सारा बेसिक पहले ही बता दिया कवर अप, ताकि ये सब स्टेटमेंट जब पढ़े सब आपको समझ में आए। एंड एक्विटार्ड इज ऑल्सो ए सैचुरेटेड फॉर्मेशन, ये भी सैचुरेटेड होती है, मतलब यहाँ पे जैसे ये एक्विटार्ड आपको दिखाया हुआ है, दिस इज योर एक्विटार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये है सैचुरेटेड फॉर्मेशन सबसे पहली बात, मतलब इसके जो भी वॉइड्स होंगे उसमें पानी भरे हुए हैं, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, इसके वॉइड्स के अंदर में अंदर भी, लेकिन इट परमिट्स द वाटर थ्रू इट, इसके अंदर से पानी जा सकता है, बट इट डज नॉट यील्ड। यील्ड कहने का मतलब है ग्रेविटी के कारण, जैसा स्पंज काम कर रहा था कि आप पानी में डुबा के उसको निकाल दिए तो फ्लो ऑटोमेटिकली हुई, ऐसा यहाँ पर ग्रेविटी के कारण फ्लो नहीं होता, तो यहाँ से यील्ड आप नहीं निकाल पाओगे, मतलब यहाँ से पानी बाहर नहीं निकाल पाओगे उतना पानी, ये क्यों क्यों पानी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस आगे समझेंगे, देखिए डज नॉट यील्ड वाटर इन सफिशियंट क्वांटिटी एज मच एज एक्वीफर डज, जितना एक एक्वीफर कर पाता है उतना इसमें यील्डिंग नहीं होती। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल होता है, पार्टली परमिएबल इन नेचर कहने का मतलब है सेमी परमिएबल इन नेचर। बट हाउ एवर इफ देर इज एन एक्वीफर अंडर एक्विटार्ड, अगर मान लीजिए एक्विटार्ड के नीचे अगर कोई एक्वीफर है तो इस एक्वीफर में पानी जा सकता है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल पानी जा सकता है, देन वाटर फ्रॉम एक्विटार्ड में सीप इन टू एक्वीफर, मतलब इसमें जितना भी पानी है ना, इसमें जितना भी पानी है उसका सीपेज होगा इस कन्फाइंड एक्वीफर में, तो यहाँ पे सीपेज इज पॉसिबल एक्विटार्ड में, सीपेज होता है, यहां से पानी का सीपेज हो सकता है, ये सेमी परमिएबल होती है। एग्जाम्पल इसका सैंडी क्ले, मतलब क्ले के साथ सैंड होता है, तो सेमी परमिएबल इसलिए होता है क्योंकि सैंड अगर होता केवल केवल तो उसमें तो वॉइड अच्छे होते हैं और वॉइड का साइज भी बड़ा दिखता, परमिएबिलिटी भी अच्छा सफिशियंट दिखता,
लेकिन एक तो सैंड भी थोड़ा फाइन ही होता है, ऐसा भी नहीं है, और क्ले तो और भी फाइन, तो सैंड के जो वॉइड होते हैं उसको क्ले जो है ना भर देता है, इस कारण से वो हो जाती है सेमी परमिएबल। तो सैंडी क्ले इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्विटार्ड, याद रखना है, इसमें केवल सीपेज इज पॉसिबल, इट इज सेमी परमिएबल। ये सब स्टेटमेंट पूछते हैं एग्जाम में, इस तरह का कौन सा फॉर्मेशन होता है, सैचुरेटेड भी होता है ये, है ना, इसमें इसके थ्रू से पानी सीपेज हो सकता है, बट उसका इल्ड उतना अच्छा नहीं होता जितना एक्विफर जैसा होता है। हियर द क्ले पार्टिकल ब्लॉक द वॉइड प्रेजेंट इन द सैंड एंड मेक इट पार्टली इम्परमिएबल, मतलब पार्टली परमिएबल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा, ये एक्विटार्ड। नेक्स्ट एक्वीग्लूड होता है एक तीसरा, ये क्या होता है पढ़िए, एन एक्वीग्लूड इज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज इम्परमिएबल टू द फ्लो, ये इम्परमिएबल होती है टू द फ्लो ऑफ वाटर, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, इसके अंदर पानी ज्यादा रह सकता है, मतलब पोरोसिटी उसकी ज्यादा है, पानी रह सकता है ना, लेकिन परमिएबिलिटी नहीं है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट बट डज नॉट परमिट वाटर थ्रू इट, ये ऐसा कोई फॉर्मेशन, इसके अंदर पानी है लेकिन इसके अंदर से बाहर से पानी अंदर बाहर नहीं जा सकता, एंड ऑल्सो डज नॉट इल्ड वाटर, वाटर का इल्डिंग भी नहीं होता, मतलब ग्रेविटी फ्लो भी नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोरोसिटी, ठीक है, ये पोरोसिटी इसमें ज्यादा है लेकिन इल्ड नहीं है क्योंकि परमिबिलिटी कम है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है क्ले, मैंने बोला था क्ले में फॉर ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्ले में वॉइड ज्यादा होंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड पोरोसिटी उसका ज्यादा है लेकिन साइज ऑफ वॉइड बहुत छोटा है, इम्परमिएबल है इसलिए। ये पूछता है एक्विग्लूड का परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, क्ले, इसलिए एग्जाम्पल वगैरह ये याद रखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक्विग्लूड का लेयर है, तो यहाँ पे दो इम्परमिएबल लेयर हो गया लगभग लगभग, एक एक्विटार्ड वाला भी, क्योंकि इसमें भी इल्ड वगैरह नहीं होता, ये भी रिलेटिवली, ये भी इम्परमिएबल, ये भी इम्परमिएबल, तो इन दोनों के बीच का जो एक्विफर है उसे हम कहेंगे क्या, कन्फाइंड एक्विफर, और उसके ऊपर का जो एक्विफर है डायग्राम देख ही रहे उसको हम कह रहे हैं क्या, अनकन्फाइंड एक्विफर। चौथा होता है एक्वीफ्यूज, ये क्या होता है, ये एकदम कंप्लीटली लुल होता है, जीरो, मतलब इस कुछ नहीं, एक्वीफ्यूज इज ए इम्परमिएबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरस, पोरोसिटी भी नहीं, परमिएबल भी नहीं, विच मीन्स इट कैन नॉट स्टोर वाटर इन इट एंड एट द सेम टाइम इट कैन नॉट परमिट वाटर थ्रू इट, ना इसमें पानी स्टोर होगा, पोरोसिटी एकदम जीरो, इल्ड एकदम जीरो, परमिएबिलिटी है ना एकदम जीरो, खत्म, सब कुछ लुल लुल, इसे कहते हैं एक्वीफ्यूज। कॉम्पैक्ट रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वीफ्यूज, कौन सा रॉक, कॉम्पैक्ट रॉक जो होता है वो होता है एग्जाम्पल ऑफ एक्वीफ्यूज, समझ गए, इज इट क्लियर टू यू ऑल, ओके, ठीक। एक चीज और होती है, और जानो आप लोग यहीं तक पढ़े होंगे, ये वाला बहुत लोग नहीं पढ़ते, नहीं कोई पढ़ाता है, एक होता है पर्च्ड एक्विफर, ये क्या होता है सुनिए, देखिए ये अनकन्फाइंड एक्विफर में ही ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये एक स्पेशल फॉर्मेशन होती है, दिस इज ए टाइप ऑफ स्पेशल फॉर्मेशन, इसको हम स्पेशल फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि कहां देखने को मिलेगा, अनकन्फाइंड एक्विफर के केस में, एक्वीफर के केस में ही एक स्पेशल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, यहां पे देखिए ये पर्च्ड आपको दिख रहा है, पर्च्ड एक्वीफर, ये क्या है, देखिए ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है, इसके अगल बगल पूरा, दिस इज योर अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, ये अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर में वहां पे एक इम्परवियस लेयर इस तरह का कुछ जमा हो जाता है, मान लो ये क्ले लेयर जमा हो गया, तो क्ले लेयर, या फिर मैं इसको सीधा लिखता हूं इम्परवियस लेयर, ठीक है, ये जो लेयर है इसको ये इम्परवियस होता है, ये इस तरह से जमा हो गया इम्परवियस लेयर। अब इसके ऊपर जो है ना, ये इम्परवियस लेयर के ऊपर, मतलब कन्फाइंड एक्वीफर में एक इम्परवियस लेयर जमा हो गया, तो इसके ऊपर लेकिन क्या है, सैचुरेटेड चीज है, मतलब
इसके ऊपर नॉर्मल मटेरियल है, ओके, तो उसमें जो पानी होगा वो तो पानी आप निकाल ही सकते हैं ना। मतलब ये अलग सा ही एक, मतलब एक एक्वीफर है, उसके अंदर एक छोटा सा और एक्वीफर बन गया मान लो, उसे हम कहते हैं पर्च्ड एक्वीफर। ये स्पेशल होता है, अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर ही ये बनती है, ठीक है। जो मतलब एक क्ले लेयर वगैरह बन गया या फिर एक इम्परवियस लेयर बन गया, उसके ऊपर जो मिट्टी रहता है उससे तो पानी निकाला जा सकता है, उसके ऊपर होगा ग्रेवल वगैरह तो उसमें पानी निकाला जा सकता है। तो ये पर्च्ड एक्वीफर का जो वाटर टेबल होता है ना, इसको हम कहते हैं पर्च्ड वाटर टेबल, समझ गए, इसको हम कहते हैं पर्च्ड वाटर टेबल। तो यहाँ पे जो मटेरियल होगी, मतलब इम्परवियस मटेरियल के ऊपर, ये परवियस मटेरियल होगा, परवियस मटेरियल मतलब समझ रहे हो, मतलब बाल्टी के अंदर बाल्टी है, बाल्टी के अंदर बाल्टी, ये चीज होती है पर्च्ड एक्वीफर। मतलब कटोरा के अंदर कटोरा, ऐसा मान लो पर्च्ड एक्वीफर, समझ गए। ये इम्परवियस, ये भी इम्परवियस, समझे। तो ये होती है पर्च्ड एक्वीफर, और ये ओवरऑल जो है ये अनकन्फाइंड ही है, ठीक है। तो ये अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर आपको पर्च्ड एक्वीफर देखने को मिलता है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। अब देखिए एक टेबल मैंने बना दिया, इस टेबल को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने में आपको मदद होगी, ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इस तरह से डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसमें आपसे वैल्यू वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के एग्जामिनेशंस में। मटेरियल पोरोसिटी परमेबिलिटी यील्ड, क्ले अगर होगा उसका पोरोसिटी का रेंज इतना होता है, सिल्ट का इतना, फाइन सैंड का 30 से 35, सैंड का 20 से 35, ये स्टैंडर्ड डेटा है, ओके, स्टैंडर्ड डेटा, ओके। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा अगल बगल का वैल्यू दिया रहेगा, तो ये रेंज याद रखोगे तो वो वैल्यू टिक लगा पाओगे। ग्रेवल 30 से 40%, सैंड स्टोन 10 से 20%, परमेबिलिटी क्ले में सबसे कम होगी 10^-5 से 10^-9 तक, सिल्ट में 0.001 से लेके 10^-7 तक, फाइन सैंड में 0.001, इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम लिख रहे हैं, फाइन सैंड में 0.001 से लेके 0.005 तक, सैंड में 0.005 से लेके 0.01 तक, ग्रेवल में 1 से 100, सैंड स्टोन में 0.001 से लेके 0.0001 यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट इल्ड, इल्ड ठीक है, कितना पानी निकाल सकते हैं आप, तो देखिए कितना परसेंट में लिख रहे हैं हम, क्ले में 1 से 10% पूछ सकते हैं, सिल्ट में लॉजिक क्लियर है, क्यों, परमेबिलिटी कम है, परमेबिलिटी कम है, सिल्ट में 5 से 10%, फाइन सैंड का 10 से 20%, सैंड और ग्रेवल का इल्ड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सैंड और ग्रेवल का इल्ड सबसे ज्यादा होता है एक्वीफर में, यही चीज रहती है, ओके, एग्जाम्पल भी याद है, ये चीज रहती है एक्वीक्लूड में, एक्वीक्लूड में, है ना, याद याद करिए। नेक्स्ट सैंड स्टोन याद रखिए, ये भी अलग से पूछा जा सकता है, 5 से 15%, और भी होते हैं, और भी होते हैं, जैसे सेल, सेल इसका इल्ड होता है लगभग 0.5-5%, ये एक तरह का पत्थर होता है। फिर और एक होता है सैंड स्टोन में पत्थर, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, इसका भी सेम होता है 0.5 से 5% इल्ड, और इनकी भी परमिएबिलिटी काफ़ी कम होती है, और पोरोसिटी दोनों की होती है, दोनों की पोरोसिटी 1 से 10%, दोनों की पोरोसिटी इस रेंज में होती है, परमिएबिलिटी काफ़ी कम और इल्ड 0.5-5%, है ना, एक ही जैसा है तो याद रह सकता है, ठीक है, समझ गए बात। अब एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसको एक नोट बना के लिखिए, ठीक है, ये चीज से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस ये इतने तरह के ही होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस के एग्जाम्पल, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब क्या होता है, फुआरा, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी मतलब एक तरह का, मतलब सॉइल फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू से इन्फिल्ट्रेशन होते रहता है, तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी एंड स्प्रिंग दीज आर दी अंडरग्राउंड नेचुरल सोर्सेस, इसको हम नेचुरल में कंसिडर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक होती है, नेचुरल होती है। ट्यूबवेल्स जो होते हैं हम बनाते हैं, दिस इज आर्टिफिशियल, क्लियर है,
बस इतना ध्यान रखिएगा। अब और ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, आपका सारा एग्जाम का ऑब्जेक्टिव लेवल पे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं जो जो आपके एग्जामिनेशंस में आए हैं, ठीक है। विद दिस वी विल कंप्लीट दिस वीडियो। सो दिस इज योर लास्ट क्लास ऑफ हाइड्रोलॉजी, एंड ट्रस्ट मी, आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे 100% ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो सब इंजीनियर टाइप का जो एग्जामिनेशंस होता है, दिस इज वैलिड फॉर सब इंजीनियर टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके, द एंटायर कोर्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ए टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस में भी कुछ परफॉर्मेंस हो जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस ही हो जाएगा, बट द ओवरऑल, हाँ, जो जूनियर इंजीनियर लेवल की एग्जामिनेशन होगी, इन दोज एग्जामिनेशन यू विल नॉट मिस ए क्वेश्चन, आपका उसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, बिकॉज सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, इट इज़ वेरी डीप एंड वेरी वास्ट, काफ़ी बड़े होते हैं। ओके, तो ये तो हमने मैक्सिमम आपको कवरेज दिया ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो पाए, क्लियर है। ओके, बाकी डिटेल में स्टडी अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन को पढ़िए, ये आपके एग्जामिनेशन में 2017 में अपीयर हुआ था, आया हुआ था। द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरस नॉर परमिएबल, ना ही पोरस है ना ही परमिएबल है, और यील्ड भी नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं? लास्ट वाला बताया था, एक्विफ्यूज, है ना, जैसे एग्जाम्पल था कॉम्पैक्ट रॉक, क्लियर है। आंसर क्या होगा इसका? एक्विफ्यूज। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एक्विफ्यूज, आपको मालूम है। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके। इफ इट इज पॉसिबल फॉर वाटर टू गो थ्रू सॉइल फॉर्मेशन एंड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स इनसिग्निफिकेंट यील्ड, सीपेज हो सकता है, सीपेज हो सकता है, बट यील्ड जो है वो नहीं हो सकता। यील्ड नहीं हो सकता, नहीं मतलब कम है, यील्ड कम है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इम्परमिएबल हो जाता है। क्लेई सैंड, एग्जाम्पल क्या बोला था? सैंडी क्ले या फिर क्लेई सैंड, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ये एक्विटार्ड, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? एक्विटार्ड, क्लियर है। क्वेश्चन पढ़िए देखिए। अब देखिए दो टर्म और हमें बतानी है, लास्ट दो टर्म है ये। एक होती है आपकी स्पेसिफिक कैपेसिटी, एक्वीफर से रिलेटेड ये जुड़ा हुआ है, एक टर्म होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी और एक टर्म होता है स्पेसिफिक स्टोरेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये क्या होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज व्हाट। तो देखिए डेफिनेशन पढ़िए, हेडिंग बना लीजिए स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए वेल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द वेल पर यूनिट ड्रॉ डाउन, रेट ऑफ फ्लो थ्रू द वेल पर यूनिट ड्रॉ डाउन, ये क्या मतलब है? ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये एकदम सैचुरेटेड सॉइल है। ओके, इसमें अंदर पानी पानी सब है, इसमें पानी पानी सब है। नाउ इस अलग कलर एक लेते हैं तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेट मी टेक वन अनदर कलर। तो लेट सपोज कि इस ग्राउंड के अंदर वाटर टेबल ऐसे था, ऐसे वाटर टेबल था, दिस इज योर वाटर टेबल। आपने क्या किया, आपको मन किया एक कुआं बनाने का, तो आपने इसमें एक वेल खोद दिया, यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए वेल, ऐसा आपने एक कुआं बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने कुआं बनाया तो क्या होगा, अगल बगल का ये जो सॉइल मास है, यहां से पानी इस वेल में चला जाएगा, जब यहां से पानी इस वेल में जाएगा तो आप इस वेल में जब पानी भर जाएगी तो आप पानी को निकालोगे, क्यू डिस्चार्ज है ना, आप वेल में निकालोगे, ठीक है। तो देखिए, तो वेल वेल से आप पानी बाहर निकालोगे, लेकिन हो क्या रहा है, जब वेल में जब पानी जाएगा तो ये जो वाटर टेबल ऐसे था, पहले फ्लैट था, इसको मान लेते हैं फ्लैट था, लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह से वाटर टेबल आ जाएगी। अब तो ये जो वाटर टेबल अपने ओरिजिनल पोजिशन से नीचे जो फॉल हो गई, झुक गई, इसी को कहा जाता है ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन, यही जो आपको कर्व मिल रहा है बाद में, इसी को कहा जाता है ड्रॉ डाउन कर्व। ड्रा मतलब निकालना, डाउन क्या निकाला, पानी निकाला, क्या डाउन हो गया, वाटर टेबल डाउन हो गया। तो जो कर्व बनता है
उसको हम कहते हैं ड्रा डाउन कर्व। तो आप पढ़िए डेफिनेशन, स्पेसिफिक कैपेसिटी इस वेल का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है। ऑफ ए वेल इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेल पर यूनिट ड्रा डाउन, जितना आप डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट ड्रा डाउन अगर हो रही है, अगर 1 मीटर मान लो से अगर वाटर टेबल झुक गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कितना डिस्चार्ज उस कुएं से बाहर निकाल पा रहे हैं। ये जो रेशियो होती है, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, डिस्चार्ज थ्रू वेल बाई यूनिट ड्रा डाउन। तो आपको ये डेफिनेशन लिखना ऊपर वाला, फिर ये सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखना है, और ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ये जो कर्व आ गया, इसको कहते हैं ड्रा डाउन कर्व, इसी को कहा जाता है ड्रा डाउन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेकेंड पॉइंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक कैपेसिटी इज नॉट सेम फॉर ऑल द यूनिट ड्रा डाउन। ये पॉइंट को समझिए क्या है, द स्पेसिफिक कैपेसिटी इज नॉट सेम फॉर ऑल यूनिट ड्रा डाउन। कहने का मतलब है आप डिस्चार्ज निकाल रहे, तो अगल बगल का वाटर टेबल तो कम होते चलेगा, कम होते चलेगा, कम होते चलेगा, कम होते चलेगा। मान लीजिए 1 मीटर कम हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग आप डिस्चार्ज कितना निकाले, क्यू रेट ऑफ फ्लो से डिस्चार्ज निकाल दिए। फिर नेक्स्ट 1 मीटर कम हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज, क्या सेम क्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? अरे आप पानी निकाल रहे हैं तो वो जो सॉयल ही तो है, वहां से पानी तो खत्म ही हो रहा है ना, तो सेम डिस्चार्ज आप कहाँ से निकाल पाएंगे बारंबार, समझे। सो इनिशियल ड्रा डाउन के करस्पॉन्डिंग हम ये स्पेसिफिक इल्ड को, सॉरी स्पेसिफिक कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। इनिशियल मतलब फर्स्ट 1 मीटर ड्रा डाउन जो होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वेल को डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो ये इसका ये मतलब, समझ गए। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इसको नोट बना के लिखिए। नेक्स्ट जो चीज है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज, वो क्या है समझिए। देखिए ये मान लीजिए, समझिए बात को, इसको समझिएगा। ये मान लीजिए एक एक्वीफर है, ठीक है, ये एक एक्वीफर है, और इसमें पानी पूरे तरह अच्छे तरीके से पानी भरा हुआ है, इसमें अच्छे तरीके से पानी भरा हुआ है। कहने का मतलब है ये सैचुरेटेड कंडीशन में है, ये सैचुरेटेड कंडीशन में है, ठीक है। अब देखिए जो वाटर है ना, वाटर इसमें ऊपर से ऐसे एंटर करेगा और नीचे से ऐसे फ्लो करके निकलेगा। मान लो ये कंडीशन, यहाँ पे कुछ सिस्टम चल रहा है, तो वाटर ऊपर से नीचे फ्लो करके निकलेगा, मतलब इसको चाहिए हाइड्रोलिक हेड, हाइड्रोलिक हेड। तो यही तो है हाइड्रोलिक हेड, इन दोनों का बीच का लेवल डिफरेंस, जो लेवल डिफरेंस है, ठीक है, वही होगा हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। जो हमने डेल्टा एच आपको बताया था, उसी को हम हाइड्रोलिक हेड कहेंगे, क्योंकि इसी के कारण फ्लो होगी। ओके, तो मान लीजिए सैचुरेटेड कंडीशन में ये एक्वीफर है, तो सैचुरेटेड, और इस एक्वीफर का वॉल्यूम है ये वी, इसका टोटल वॉल्यूम है इसका वी, और इसका जो ये एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं, ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला, ये सरफेस एरिया है ए, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक स्टोरेज का क्या मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज कि कितना पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, जो इस एक्वीफर से बाहर निकल सकती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी कम आउट ऑफ एक्वीफर। अच्छा, अगर बाहर निकल सकती है तो सेम टाइम पे अंदर भी तो हम डाल सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बाहर निकालना या फिर अंदर डालना, दोनों एक ही चीज होती है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी कम आउट ऑफ एक्वीफर, ये इस तरह से डेफिनेशन किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, बस आपको मैं ऐसा समझा दूंगा कि एग्जाम में इस तरह का स्टेटमेंट आएगा, मतलब समझ जाना वो क्या पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी कम आउट ऑफ एक्वीफर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस एक्वीफर, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस एक्वीफर ठीक है,
तो अभी आपको लगेगा कि ये टोटल वॉल्यूम में से अगर कुछ वॉल्यूम बाहर निकल गया तो आपका जो सॉयल है ये सैचुरेटेड अब नहीं रहेगा। नो, अभी भी ये एक्वीफर सैचुरेटेड ही है, अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, इसलिए इस तरह से लिखवा रहे हैं। अभी भी ये आपका सैचुरेटेड कंडीशन में ही है, अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, अंडर सैचुरेटेड, जस्ट ए मिनट, सैचुरेट आर, अरे यहाँ पे मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, आप समझ जाना, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये रेशियो, इसी को हम स्पेसिफिक स्टोरेज कहते हैं, SS, अंडर, ये सब हो रहा है अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। पर यूनिट फॉल ऑफ हाइड्रोलिक हेड, मतलब हाइड्रोलिक हेड भी तो डिक्रीज करेगा, अगर फ्लो हो रहा है मतलब हाइड्रोलिक हेड डिक्रीज होगा, तो पर यूनिट डिक्रीज इन हाइड्रोलिक हेड अगर हो रहा है, कितना पानी बाहर निकल रहा है, समझे, यही चीज होती है स्पेसिफिक स्टोरेज, ठीक है, अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, पर यूनिट फॉल ऑफ हाइड्रोलिक हेड, इसी को हम स्पेसिफिक स्टोरेज कहेंगे। अब देखिए इसको और एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन कम आउट ऑफ एक्वीफर, ये एक्वीफर है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर, तो मैंने कह दिया वो स्पेसिफिक स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, पर यूनिट फॉल ऑफ हाइड्रोलिक हेड, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पर मीटर ऑफ ड्रॉडाउन था, किसमें, स्पेसिफिक कैपेसिटी में, यहाँ पर यूनिट फॉल ऑफ हाइड्रोलिक हेड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं, इसी से मिलता जुलता, सोर्टाविटी, सोर्टाविटी, तो सोर्टाविटी में भी सेम चीज होता है, अगर ये वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, और ये टोटल एक्वीफर का वॉल्यूम, वॉल्यूम वी, तो सोर्टाविटी में क्या होता है, सोर्टाविटी मतलब यही वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर पर यूनिट सरफेस एरिया, ये जो एरिया है सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया अगर हम देखते हैं, है ना, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट फॉल ऑफ हाइड्रोलिक हेड, तो वो जो टर्म मिलता हुआ नजर आता है हमको, उसी को हम कहते हैं सोर्टाविटी। ये सब कुछ हो रहा है अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, समझ गए बात को, चीज, तो डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछता है, डेफिनेशन वगैरह सारा टर्म क्लियर है, एक्वीफर है, सैचुरेटेड कंडीशन में था, उसका वॉल्यूम है वी, फलना ढिमका ऐसा, ठीक है, हाइड्रोलिक हेड इतना है, तो ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक स्टोरेज मतलब कितना पानी बाहर निकल सकता है, एक्वीफर सैचुरेटेड कंडीशन में ही रहेगा, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्पेसिफिक स्टोरेज, पर यूनिट चेंज ऑफ हाइड्रोलिक हेड, ठीक है, वही पर यूनिट चेंज ऑफ हाइड्रोलिक हेड, कितना पानी वहां से बाहर निकल सकता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं देखूंगा, उसी को मैं कह दूंगा सोर्टाविटी, क्या समझे, क्लियर। क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन एट द वेल इज नोन एज, पर यूनिट ड्रॉडाउन पूछ रहा है, पर यूनिट ड्रॉडाउन हम किसको कहते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी को, आंसर डी करेक्ट, है ना, पर यूनिट हाइड्रोलिक हेड अगर आपसे पूछता तो स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अलोंग द ग्रेविटी, क्लियर है, ठीक है, ये चारों टर्म क्लियर। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, विच वाटर सोर्स अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस सोर्स, इनमें से कौन सा सरफेस सोर्स नहीं है, तो देखिए यहाँ पे तो दो आंसर मेरे को लग रहा है, स्प्रिंग और वेल दोनों सही है, लेक तो सरफेस सोर्स है, ये तो ठीक है, ओके, नॉट ए सरफेस सोर्स पूछा है, मतलब अंडरग्राउंड सोर्स के बारे में पूछा है, नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव, ये किताब क्यों गलत छापा है भाई, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ये होगा ही नहीं, तो यहाँ पे स्प्रिंग एंड वेल्स दोनों लग रहे हैं, लेकिन तो कौन सा चूज करेंगे, कोई एक ही को चूज करना है, तो फंस गए यहाँ पे, मैंने तो दोनों बोला, तो देखो याद करो मैंने बोला वेल जो होता है ना वो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो जनरली पूछ रहा है अबाउट नेचुरल सोर्स, ये थोड़ा गट फीलिंग समझना होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस तरह के क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है, मिल सकता है, तो थोड़ा अंदर का गट फीलिंग भी होना चाहिए,
तो वो जनरली नेचुरल वेल के बारे में पूछ रहा है, तो नेचुरल सोर्स के बारे में, तो वो होगा आपका स्प्रिंग। अगर ऑप्शन में रहता मतलब ए बी सी डी ऐसा वैसा कुछ, तो ऐसे कंडीशंस में आप स्प्रिंग वेल या फिर इन्फिल्ट्रेशन गैलरी वगैरह अगर रहते तो सबको टिक लगा सकते थे, ठीक है। अब ये स्प्रिंग्स भी अलग अलग तरह का होता है, जो स्प्रिंग कन्फाइंड एक्वीफर में होता है, ठीक है, उसको हम आर्टिशियन स्प्रिंग कहते हैं। जो स्प्रिंग अनकन्फाइंड एक्वीफर में रहता है उसको अनकन्फाइंड स्प्रिंग कहते हैं। कुछ कुछ फुहारे ऐसे होते हैं जिसमें देख रहे होंगे गर्म पानी बाहर निकल रहा होता है, उसको थर्मल स्प्रिंग कहते हैं, समझ गए। तो इस तरह से बहुत सारे स्प्रिंग अलग अलग भी होते हैं। ओके, कुछ स्प्रिंग होता है जिसको हम ग्रेविटी स्प्रिंग कहते हैं। ग्रेविटी स्प्रिंग जैसा का मतलब है कि देखो होगा क्या, ग्रेविटी स्प्रिंग के केस में मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस ऐसा वैसा है, ऐसा ऐसा ग्राउंड सरफेस है। अभी क्या हुआ ना, वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल लहरा ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है। कुछ मान लीजिए वाटर टेबल ऐसा नीचे था, ऐसे वैसे इस तरह से वाटर टेबल आ गया किसी तरह से। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ग्राउंड सरफेस से वाटर टेबल आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे एक फुवारा जैसा नहीं निकलेगा, एक झरना टाइप का पानी, और सरफेस पे नहीं जा रही होगी? तो ये ग्रेविटी के कारण ही तो हो रहा है, इसको जस्ट ग्रेविटी स्प्रिंग कहते हैं। तो ये ग्रेविटी स्प्रिंग आपको वहीं पे देखने को मिलेगा जहां ग्राउंड सरफेस इंटरसेक्ट विद द वाटर टेबल। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्वीफर में जो स्प्रिंग है उसको अनकन्फाइंड स्प्रिंग, जो कन्फाइंड एक्वीफर में उसको कन्फाइंड स्प्रिंग, जैसे गर्म पानी बाहर निकल रहा है उसको थर्मल स्प्रिंग, क्लियर है। ट्यूबवेल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन उतना डिटेल फिर हमारे यहाँ पे नहीं है, उतना हम नहीं जाने वाले। ओके, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी फॉर यू ऑल। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, सॉल्व करिए। समझ में अगर कुछ नहीं आया तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है 7008420035, ठीक है। यू 7008420035 यूज प्रासर। आप गूगल पे भी टाइप कर दोगे, मेरा ही फोटो दिखेगा, क्लियर है। सो कोई भी डाउट है, कुछ है, यू कैन कंसल्ट मी, वेलकम। आप लोग मन लगा के पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। हाइड्रोलॉजी में स्पेसिफिकली इफ यू हैव एनी डाउट इन हाइड्रोलॉजी, आपको अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है हाइड्रोलॉजी में, यू आर वेरी फ्री टू कंसल्ट मी। ओके, टेक केयर, अप टू देन, गुड लक। ओ एंड बी कॉन्फिडेंट, यहां से इतना पढ़ लिया, कवर अप हो गया आपका। ये व्यापम जो एग्जामिनेशन अभी देने वाला है, एमपी व्यापम, मध्य प्रदेश व्यापम, ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चंस यहां में से कवर हो जाएंगे हाइड्रोलॉजी के, नॉट टू वरी। ओके, गुड लक।